शशि तिवारी महोदया। धन्यवाद अजय कुमार मिश्र महोदय। ओम मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधा धाता दधातु मे ओम। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी दिस यूनिवर्सिटी सीधो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, respected registrar of this university, dean faculty of arts Sonali Mukherjee, and faculty members of Sanskrit department, other departments, guests and students, I firstly welcome and do my abhivadan and abhinandan to all of you. We are gathered here to discuss an important topic under webinar, and the topic has been decided significance of Sanskrit literature in preservation of human life. Am I audible, Ajay? Am I audible? Yes. You're audible, madam. मेरी आवाज आ रही है? You're audible. जी आ रही है, आ रही है. और सब बस ठीक है, दिखाई भी दे रहा है? ठीक है. तो ये सबका अभिवादन करने के बाद मैं संस्कृत डिपार्टमेंट का विशेष रूप से धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक विषय का चयन किया है इस सेमिनार के लिए, और वो विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन के संरक्षण में संस्कृत साहित्य का योगदान या उसकी महत्ता का विश्लेषण. तो हमें ये देखना है कि क्या करता है वो, संरक्षण में क्या करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है या कि नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि. इस सबको ये दो दिन के आपके कॉन्फ्रेंस में आप लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा. भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती. जब हम ये कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि सभी भाषाओं में जो सबसे मधुर मुख्य दिव्य देव भाषा है वो संस्कृत है. मुख्य क्यों है? क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर उसमें बहुत है. कोई भी शायद दुनिया का ऐसा विषय नहीं है जो उसमें आया ना हो. जब मधुर कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि उसकी भाषा बहुत मधुर है, संस्कृत भाषा की हम बात कर रहे होते हैं. और दिव्या गीर्वाण भारती जब हम कहते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि वो देव भाषा है, उसमें मंत्र है, उसमें वेद है, वो हमारा पूरा ब्रह्म ज्ञान उसमें समाहित हो रहा है. तो ये एक संस्कृत साहित्य का एक छोटा सा महात्म्य इस छोटी सी लाइन के द्वारा ही अभिव्यक्त हो जाता है. सभी जानते हैं जो भारतवर्ष में रहते हैं कि भारतवर्ष की सबसे सुंदर प्राचीनतम भाषा संस्कृत है. उसमें प्राचीनतम साहित्य प्राप्त होता है जो इतना प्राचीन है फिर भी उतना ही शुद्ध है. ये देखने की बात है और सोचने की बात है कि उसका कोई भी विषय या कोई भी हिस्सा परिवर्तित नहीं हुआ है, प्योरिटी है उसमें, प्योर पूरी तरह से सुरक्षित है. तो ये ऋषियों ने कैसे किया, मुनियों ने कैसे किया, ये सोचने की बात है. भाषा को यथावत रखना, उसमें जरा भी परिवर्तन ना होना. फिर जब भाषा के रूप में हम देख उस पर गौर करते हैं तो जितनी भी और विश्व की प्राचीन भाषाएं हैं वो उनके साथ या उनसे भी पहले की दिखाई देती है, ग्रीक लैटिन इत्यादि, जबकि उनका अस्तित्व आज उतना नहीं दिखाई देता है. संस्कृत का आज भी समाव वैसे ही बंधा हुआ है प्रवाह. जितनी भारत की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनकी वो माँ है, उनकी वो जननी है. अगर छोड़ना है तो तमिल और उर्दू को हम छोड़ सकते हैं, बाकी जितनी भाषाएं हैं. इसी तरह से जब साहित्य की बात होती है, मैंने पहले भी कहा कोई भी विषय, साहित्य तो हम सब पढ़ते हैं
जानते हैं कि काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं सारे उसमें मिल रहे हैं, इतिहास, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि। फिर आश्चर्य की बात यह है कि जो मॉडर्न साइंसेस के डिसिप्लिन हैं, जितने भी आज हैं, वो सभी किसी ना किसी रूप में संस्कृत साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आप औद्योगिक टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, इंजीनियरिंग को ले लीजिए, औद्योगिकी को ले लीजिए, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी को ले लीजिए, वो प्योर साइंसेस जिनको कहते हैं, या एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी को ले लीजिए, या वास्तु को ले लीजिए, या मेडिकल साइंसेस को ले लीजिए। आप सबको ध्यान स्मरण आ रहा होगा कि हमारे यहाँ हमारे कुलपति महोदय भी इस पर प्रकाश डाल चुके, थोड़ा आयुर्वेद की ओर संकेत करते हुए। तो किस प्रकार से सारे डिसिप्लिन, क्योंकि इतना पुराना देश है, लगभग कम से कम 5000 तो रखना ही पड़ेगा, अगर 5000 साल से एक सभ्यता, संस्कृति अच्छे से पनपती बढ़ती यहाँ तक आई है, तो उनको सारे विज्ञान का पता होगा, रहन सहन का पता होगा, जीवन का पता होगा, इसमें कोई संदेह करना नहीं चाहिए। मगर लोग करते हैं संदेह, इसलिए ये बात याद कराने की है बार बार कि आखिर कैसे उन्होंने अपना साहित्य भी याद करके रखा और बचा के रखा, और अपने जीवन मूल्यों को भी बचा के रखा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं सबको यथावत थोड़ा परिवर्तन करते हुए, जैसी आवश्यकता थी बचाते हुए यहाँ तक चलते चले आए। तो ये प्रश्न जो हमने उठाया कि संरक्षण, मानव जीवन के संरक्षण की योग्यता उसमें है या नहीं, इस पर विचार करें, तो ये तो मुझे लगता नहीं कि अब इस पर विचार की जरूरत है। सब लोग निश्चित होंगे कि हाँ, वो तो बिल्कुल कर सकती है, अच्छे से संरक्षण कर सकती है, और इसमें जरा भी संदेह होना नहीं चाहिए। जो यहाँ पर अब हमें एक तीसरा पॉइंट सोचने का है वो ये है कि आखिर उसका व्हाट इज द अप्रोच ऑफ संस्कृत टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ, टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, मानव जीवन के प्रति संस्कृत का दृष्टिकोण क्या है, क्या वो मानव जीवन का चिंतन करता है या नहीं करता है। मानव जीवन जब हम कहते हैं तो एक उसका बाह्य जीवन है, एक उसका आंतरिक जीवन है, एक मानसिक जीवन है, एक आदिभौतिक जीवन है, एक आदिदैविक, एक आध्यात्मिक जीवन है। संस्कृत शायद सभी पक्षों पर गौर कर रहा है, वो मानव संवेदनाओं का, भावनाओं का, मनोभावों का विश्लेषण भी करता है, वो उसके रहन सहन जी के तरीके भी बताता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे रहना है, कौन से मूल्यों का पालन करना है, कौन सी नैतिकताएं अपनानी है, समय के साथ क्या बदलना है, आपदाएं विपदाएं जो आ रही हैं हमारे जीवन में और हमेशा ही आती हैं, उनका सामना कैसे करना है, अपने को कैसे ठीक रखना है, अपने मन बुद्धि सब चीजों को, तो इन सारी बातों को उन्होंने बताया हुआ है, ऐसा निश्चित हम कह सकते हैं। सार तत्व क्या है पूरे संस्कृत साहित्य या भारतीय संस्कृति का, वो सार तत्व ये है कि वो मानवता के हित का चिंतन करता है। द वेलफेयर ऑफ द ऑल ह्यूमैनिटी इज द मेन गोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड वैदिक लिटरेचर एंड एवरी लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। सो कौन से लोग, सब सर्वे भवंतु सुखिना वाली जो बात है वो वेद में तो बहुत पहले कही गई थी, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, एक घोंसले के समान जहां सारा विश्व हो जाता है। लोग अक्सर वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हैं और ये वसुधैव कुटुंबकम वेद में नहीं है, वेद का बोल देते हैं गलती से, वेद में नहीं है, ये हितोपदेश में प्राप्त होता है और हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी प्राचीन है यत्र विश्वम भवति एक नीडम। और दोनों में आपने थोड़ी तुलना करें तो देखेंगे कितना सुंदर वो कॉन्सेप्ट है जो वेद में दिखाया गया, जहां पर सारा दुनिया, सारा विश्व एक घोंसले के समान हो जाता है, और इधर कहा जा रहा है जहां वसुधा कुटुंब हो जाता है, कुटुंब का मतलब है परिवार और वसुधा मतलब अर्थ, लेकिन वहां कहा गया विश्व, पूरा यूनिवर्स, और नीड कहा गया घोंसला, तो जो चिड़िया का घोंसला है उसमें कोई कमरे नहीं होते, कुछ हिस्से नहीं होते, तो जिस तरह से सब एक होता है सारा, वैसे ही विश्व सारा एक है। और जैसा कि वाइस चांसलर साहब कह चुके हैं कि प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया इसलिए हम पर आपदा आई, तो प्रकृति भी हम उसी का कॉस्मोस का हिस्सा है, पशु पक्षी सब लोग हिस्सा है, वी आर नॉट द होल,
मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बींग्स आर द नॉट द मोस्ट पावरफुल. हमको सारा कुछ यूज करने के लिए हमारे को नहीं दिया गया है, सबका है इसमें हिस्सा. ये ध्यान रखने की जरूरत है. वी आर ए कॉस्मिक एंटिटी, वी आर ओनली ए कॉस्मिक एंटिटी. जैसे समुद्र है ना इतना बड़ा, उसकी एक बूंद होती है, वैसे ही हमारा अस्तित्व एक बूंद के बराबर है. तो हमें अपने हिस्से का ही लेना है. आपने देखा भी है ईशावास्य में कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता, छोड़ते हुए भोग करना है, औरों के हिस्से का ध्यान रखना है. तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा मनुष्य के साथ संस्कृत साहित्य का संबंध है वो बहुत तरह से बहुत पक्षों में प्राप्त होता है. और अब हम विचार करेंगे चार बिंदुओं पर. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इन संस्कृत लिटरेचर, व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ, एंड व्हाट आर द मीन्स टू गेट दैट एम. तो व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर. जीवन अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो उत्तर दिया जाएगा कि जन्म से लेकर, जन्म के क्षण से लेकर मृत्यु के क्षण तक जो कार्यकाल है, जो स्पैन ऑफ टाइम है, वो जीवन कहलाता है. उसका निर्धारित है कोई समय नहीं, निर्धारित नहीं है. निर्धारित होता है क्या, तो उत्तर देता है वेद, निर्धारित होता भी नहीं है. जो बाद में एक धारणा है कि आयु निश्चित होती है, वेद के अनुसार आयु निश्चित नहीं होती है. हम अपने जीवन काल में उसको घटा या बढ़ा सकते देते हैं अपने कर्मों से. निश्चित नहीं होती, चाहे तो बढ़ा सकते हैं चाहे तो घटा सकते हैं. और आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों ने, हमारी इस पीढ़ी ने अपनी आयु बढ़ाई हुई है, पहले की पीढ़ी में आयु कम होती थी. तो ये जो आयु है या जीवन, जीवन का काल है, वो उस संपूर्ण जीवन काल को कैसे जिया जाएगा, उसके लिए सारे मूल्यों को उन्होंने बताया. क्योंकि उनकी दृष्टि में खाली शरीर एक चीज नहीं है, एक शरीर है, उसके बाद इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहंकार है, और फिर आत्मा है. और सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, सभी का कि संतुष्टि के लिए, जैसे खाना भोजन होता है वैसे शरीर को चाहिए, वैसे मन को कुछ और चाहिए. मान लीजिए कि मनोरंजन चाहिए, गाना चाहिए, नृत्य चाहिए. बुद्धि को कुछ और चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, कुछ ना कुछ दिन में थोड़ा पढ़ा जाए, समझा जाए, सबको कुछ कुछ चाहिए. तो इसी तरह आत्मा को भी कुछ चाहिए. और वो क्या चाहिए, जो आत्मा को चाहिए वही असली चाहिए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है. उसको अलग अलग दर्शनों ने, अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग तरह से नाम दिया, परिभाषित किया, लेकिन शायद सब मिलाकर है एक ही चीज, कोई अलग अलग वो चीजें नहीं है. फिर भी जो हमने, मैंने बोला आयु निश्चित नहीं है, फिर भी कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना. बिना अगर प्लान करेंगे तो हमारे पास टाइम का भी पता होना चाहिए. जैसे अभी आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आपको टाइम पता होना चाहिए, इतने से इतने बजे तक होना है, फिर उस हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं. तो वैसे ही जीवन का काल निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया गया है, वेदों ने मंत्रों ने मान लिया है कि 100 वर्ष की आयु होती होनी है या होनी चाहिए. पूर्ण आयु 100 ईयर्स की है, उसको पूर्ण आयु कहते हैं. और उसके हिसाब से चार भागों में बांटा गया. आश्रम आपको पता ही है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ इत्यादि. तो कार्य पूरा प्लानिंग किया हुआ है कि ये इस समय होना है, ये इस समय होना है, ऐसे 100 वर्ष का उन्होंने हिसाब रखा हुआ है. वेदों में बहुत सारे मंत्र है, जीवे में श्रद्धा शतम, पश्ये में श्रद्धा शतम, सुनयाम श्रद्धा शतम. और एक मंत्र तो ये कहता है कि आप बीच में काट नहीं सकते. देवता से कह रहा है कि बीच में आप कट शॉर्ट नहीं करेंगे, हमने तो ऐसे जीने का तरीका अपना तय करा हुआ है. तो आपको अगर देना है तो आगे दे दें, और 100 ईयर्स देना है तो आगे दे दें, मगर इसको कट शॉर्ट नहीं करेंगे. हमने जो सूरज उगते हुए देखना है, रोज देखना है, 100 वर्ष तक देखना है. हम देखते रहें, आंखों को ठीक रखो हमारी जिससे हम देखते रहें, हमारे कानों को ठीक रखो जिससे हम सुनते रहें, हम बोलते रहें, हर चीज इंद्रिय को भी वो चाह रहे हैं कि वो ठीक रहे, हम सोचते रहे, हम देखते रहे. और अदीना स्यात् श्रद्धा शतम् भूयात् च श्रद्धा शतम्. और अगर और देना है तो 100 वर्ष और दे देना, घटा नहीं सकते आप. तो इस तरह से एक प्लान है, टाइम का एक प्लान है. टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अवर लाइफ, उसको भी वेस्ट नहीं करना है, जैसे पानी को वेस्ट नहीं करना है. तो उस रिसोर्स का बहुत सही तरीके से उपयोग होना चाहिए.
और इसीलिए लॉन्गेविटी या दीर्घायु की कामनाएं ये सब हमारे यहाँ बहुत प्राप्त होती हैं। लेकिन साथ में सभी को पता है कि धन की कामना भी की जाती है। वेद बहुत आशावादी दर्शन है, हमारा पूरे कल्चर जो है वो आशावादी दर्शन है, यहाँ निराशा का कोई स्थान नहीं है। तो आशा ये है कि हम अच्छे से जिए, 100 बरस अच्छे से जिए, धन भी चाहिए हमें और बुद्धि भी चाहिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि पूर्वक कर्म, कर्म पूर्वक कर्म भी करना है और धन भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर होंगी तो आयु को अच्छे से जिया जा सकता है। मैं इन सब बातों को थोड़ा संक्षेप कर रही हूँ टाइम का थोड़ा ध्यान रखते हुए। ये जो ये जीवन था तो इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य को देखा जाए तो मनुष्य का जो लक्ष्य है बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत सार संक्षेप में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें सिर्फ मैं इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चारों हैं, धर्म अर्थ, धर्म आपको पता है राइचियसनेस, अर्थ मतलब मनी वेल्थ, काम मतलब प्लेजर एंड मोक्ष मतलब लिबरेशन। सो ऑल दिस फोर आर इंडिपेंडेंट एम और आर कलेक्टिवली वन एम। दिस हैज टू बी थॉट हेयर अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मी ऑल इफ कलेक्टेड कलेक्टिवली देन इट विल बी वन गोल एंड दैट गोल विल बी गोल ऑफ द लाइफ। चारों मिलकर चतुष्टय कहलाते हैं और इसलिए चारों मिलकर जीवन का गोल बनते हैं, जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य बनते हैं। एक एक अलग अलग करना, वन साइडेड करना गलत है। थोड़े समय के लिए वन साइडेड हो सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए कोई एक धर्म कोई पकड़ के बैठ जाए, कोई अर्थ कोई लेके बैठ जाए, काम कोई लेके, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। चारों को करते जाना है साइमल्टेनियसली, चारों को मिलाकर जो करेंगे तब एक उद्देश्य बनेगा जिसका नाम है पुरुषार्थ। वो होगा पुरुष का अर्थ, पुरुष का जीवन का लक्ष्य। तो इस लक्ष्य के लिए सारी सारी मेहनत करनी है, सारे कार्य करने हैं। और कैसे करने हैं वो बहुत विस्तार से, धन को कमाना है तो कैसे कमाना है, ईमानदारी से ही कमाना है। अग्ने नय सुपथाराय स्मान, हमें सुपथ से ले चलो, हम बेमानी से अर्थ को नहीं कमाए, हम कृषि करें, खेती करें, हम जुआ ना खेलें। तो इस वजह से हर चीज के लिए एथिक्स मॉरलिटी के नियम भी बने हुए हैं, सबको करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य अगर है तो उसका मीन्स भी होना चाहिए, उसको पाने के साधन भी होने चाहिए। अगर साध्य है तो साधन भी होना चाहिए। तो साधन क्या बताया गया, जीवन का इन एम्स को पाने का साधन क्या है? कभी उसको सिद्धांत के रूप में बताया गया है, कभी कर्म के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी क्रिया के रूप में। लेकिन मुख्यतः मैंने जितने यहाँ शब्द लिए सभी को बताया गया है। अभी अजय जी भी कह रहे थे कि विद्या अश्नुते, विद्या की बात, ज्ञान, तो जो ज्ञान है वो भी सबको प्राप्त करना है, चाहे शिक्षा के रूप में करो, चाहे अपने आप से करो, चाहे स्वाध्याय से करो। जीवन में हमेशा ज्ञान की इच्छा रखते हुए अपने को ज्ञानवान बनाते चलना है, ये एक साधन है। दूसरा है कर्म को नित्य करते रहना है। कर्म को करते रहने से चित्त की शुद्धि होती है और मनुष्य क्रियाशील रहने से उसका उसके और गति उसमें आती है, उसके शारीरिक बौद्धिक मानसिक गति आती है। तो इसलिए निरंतर क्रियाशील रहना है। ईशावास्य मंत्र आपने पढ़ा सुना है, कुर्वन्नेवि कर्माणि जिजीविषे शतम् समाः। 100 साल तक जीने की इच्छा इसलिए नहीं करनी है कि जीना है, बल्कि कर्मों को करते हुए जीना है। 100 साल तक कर्मों को करते हुए जीना है। तो कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, और इन दोनों दोनों मार्गों पर भी कैसे चलना है, अलग अलग चलना है? नहीं, अलग अलग नहीं चलना है, दोनों का समन्वय करते हुए चलना है। ज्ञान भी करना है, कर्म भी करना है, तभी वो मंत्र आता है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा अविद्या अमृतम अश्नुते। दोनों का समाहार करना है, संतुलन या समन्वय करना है। तो इस प्रकार से मीन्स ऑफ द अचीवमेंट जो है वो बताए गए हैं। और अगर हम साधनों को समझेंगे तभी साध्य को प्राप्त कर सकेंगे। आजकल बहुत स्थितियां बिगड़ गई हैं, देख कभी कभी दिखाई देता है किसी के साथ कि वो साधनों पर बहुत जोर दे रहे हैं और साध्य तो उनको पता नहीं है। मार्ग हो गया साधन,
और साध्य हो गया आपकी मंजिल। कौन सी मंजिल पर जाना है उन्हें पता नहीं है, लेकिन मार्ग पर बदल रहे हैं या चल रहे हैं। तो जो मार्ग है, रोड इज नॉट अवर साधन, रोड इज नॉट मीन्स, मीन्स रोड पर चलना अगर लक्ष्य है तभी वो चलना सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए ये साध्य और साधन का जो विवेचन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसके द्वारा किसको प्राप्त करना है। तो ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने, संस्कृत लिटरेचर ने एक पहले लक्ष्य निर्धारण की बात की। लक्ष्य को जीवन का तय करो, फिर उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसके जो साधन बताए उन्होंने, उनमें से जो साधन तुम्हारे को समुचित या अनुकूल लगता है उसको अपनाओ और उस पर चलो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चले, बिना मेहनत किए तो कुछ प्राप्त होगा नहीं। और इसके साथ में ज्ञान और कर्म के साथ में तीसरा, मॉरेलिटी या नैतिकता को हमेशा ध्यान रखने की बात की गई है। मैंने पहले भी बोला था, वेलफेयर ऑफ ऑल, ये हमारा लक्ष्य रहता है। लोक कल्याण, सबका कल्याण हो, अपना नहीं होना चाहिए। पर परेशान जो दूसरों का परोपकारा, परोपकार करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये अचीव, उनके साधनों को ध्यान में रखना है। एक आपने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रख, आजकल बहुत चल पड़ा है कि हमारे हेल्थ की बात, योगा को लेते हैं, इत्यादि विषयों को लेते हैं, हेल्थ की बात बहुत करते हैं कि हेल्थ चाहिए हमें, जिम खुल रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, योगा हो रहा है, और भी तरह तरह के साधन हो रहे हैं, क्योंकि शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने पर सबको बहुत बल देना है। सुंदरता भी चाहिए और मोटापा ना होना चाहिए, इस तरह से सबको ये सब बातें पता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि ये जो स्वास्थ्य की कामना है वो साध्य है या साधन है? इसमें पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण दोनों में अंतर है। स्वास्थ्य को हेल्थ, दे ट्राई टू गेट हेल्प फॉर द हेल्थ से, हेल्थ को हेल्थ के लिए चाहिए, हमें हेल्दी रहना है। किस लिए हेल्दी रहना है वो तो पता नहीं है, मगर हेल्थ को चाहिए, हेल्थ को हेल्थ के लिए चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हेल्थ को एक साधन माना गया है। हेल्थ हमें चाहिए, जरूर चाहिए, और उसको बचाना है, बीमारियों से बचा के रखना है, सब अपने आदि व्याधियों से अपने को निर्बाध रखना है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि तब स्वस्थ शरीर या स्वस्थ मन या स्वस्थ बुद्धि से कुछ और पाने की बात करनी है। तो ये जब तक नहीं मिला तब तक तो ये साधन है, साध्य रहता है, लेकिन जब मिल जाता है तो ये साध्य, साध्य ना होकर साधन हो जाता है। तो इसलिए ये जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है उसका मतलब ही होता है स्वस्थ, अपने में रहना, अपने अपने स्वरूप में रहना। जो आप, जैसा हमारा स्वरूप है, हम उस स्वरूप में हैं तो ठीक है, स्वस्थ है। तो इस स्वास्थ्य को बचाने, बचाना चाहिए, और ये एक हम साधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके द्वारा अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। कठोपनिषद में जो आत्मा रूपी रथी का चित्रण किया गया है, उसमें आपने देखा है कि शरीर को रथ कहा गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु, शरीर रथ है। तो रथ का मतलब होता है चैरियट या व्हीकल, वो व्हीकल है, हमें कहीं ले जाने वाला है, उसको खुद कहीं नहीं जाना है, वो हमें ले जाने वाला, आत्मा को ले जाने वाला है। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा जो है वो रथी है, उसको ले जाने वाला है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो शरीर है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर है, वो हमारे लिए एक व्हीकल है। उसको, जैसे व्हीकल को, अपने गाड़ी को, अपनी कार को अच्छे से रखना होता है, क्योंकि वो हमें कहीं लेके जाता है। तो उसी तरह से हमें स्वास्थ्य को भी रखना है, बहुत अच्छा बचाना है, उसकी केयर करना है। लेकिन उसके बाद क्या करना है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ जाना है वो भी पता होना चाहिए, और वही सार तत्व है जो संस्कृत साहित्य बताता है। ये सब बातें मैं संरक्षण से जोड़ रही हूँ। ये जो आपका मानव जीवन का संरक्षण है ना, संरक्षण, असली संरक्षण तभी होगा जब ये सारे एस्पेक्ट उसके संरक्षित होंगे जिनकी बात हमने की, शरीर मन बुद्धि और आत्मा। तो आत्मा तो खैर उसको तो कुछ होना नहीं है,
वो तो शुद्ध बुद्ध नित्य है, लेकिन इन तीनों का प्रिजर्वेशन हो, इन तीनों का भी बिल्कुल यथावत स्थिति रहे, ये बहुत जरूरी होता है। तो शरीर की जो स्वास्थ्य इत्यादि है वो बाह्य प्रिजर्वेशन है या इंटरनल प्रिजर्वेशन है, और जो एक्सटर्नल प्रिजर्वेशन है सॉरी, और जो इंटरनल प्रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत दूसरे एस्पेक्ट आते हैं, और उनके लिए भी हमारे चित्त बुद्धि इत्यादि, आपने योग सूत्र पढ़ा हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त को की वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। अगर निरोध हो जाएगा तो चित्त शांत होता है, प्रसाद को प्राप्त होता है। गीता के अनुसार प्रसादम अधिगच्छति, गीता में स्थित बुद्धि की बात भी हुई है, बुद्धि भी स्थित होनी चाहिए, चित्त भी स्थित होना चाहिए, हाले डोले में नहीं रहना चाहिए, वेव्स उसमें हर समय लगा लहरें उठती रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे ये सब हमारी इंटरनल फैकल्टीज हैं, ये अगर ये सब ऐसे शांत और चित्त स्वस्थ रहेगा, शरीर भी अपने में स्थित है, मन भी अपने में स्थित है, बुद्धि भी अपने में स्थित है, तो आत्मा स्वयं आनंद में रहेगा, प्रसन्नता में रहेगा। तो जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जिसको मोक्ष भी फिलोसफी में दर्शन में कहा गया, तो वो जीवन का लक्ष्य है, वो मिलाकर वो प्राप्त करना। आपने पुरुषार्थ चतुष्टय में देखा है चौथा जो स्टेज है वो लिबर्टी है। लिबर्टी फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम, फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ सोल। और जो स्वतंत्रता है उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है। तो यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा सुख माना गया है, जीवन का लक्ष्य माना गया है। और अगर ये सब है तो मानव जीवन का संरक्षण है। तो संदेश हमारा ये है कि संस्कृत साहित्य हमें ये सिखाता है कि दोनों का समन्वय करना है। जितने भी हमारे आंतरिक तत्व हैं, शरीर के अतिरिक्त जो अंदर हमारी जो चीजें, उनका भी ध्यान रखना है। ज्यादातर लोग मन को तो जानते हैं कि मन करता है ये करो, मन कहता है ये करो, ये ना करो, लेकिन इसके आगे नहीं जाते। और मन भी अक्सर गलत पहचान लेते हैं, मन कुछ कहता वहता नहीं है, मन कि ये करो, वो चाट खाने चले जाओ, पिक्चर देखने, मन नहीं कहता, वो आपको सिर्फ संकल्प विकल्प करता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है, तो निश्चय बुद्धि ने करना है, तो आपकी बुद्धि गड़बड़ हो रही है अगर वो ऐसा निश्चय कर रही है। तो किसकी क्या स्थिति है, कौन सा तत्व क्या है, ये बड़े बड़े विषय हैं मनोविज्ञान, दर्शन, सामाजिक विज्ञान, ये हमारे सारे विषय हैं। एस्ट्रोलॉजी भी हो गया, एक आपका साइकोलॉजी कहलाता है, वो भी वेदों में और संस्कृत साहित्य में मिलता है। आप कोई भी नाटक पढ़ लो, हमारे जितने प्रसिद्ध नाटक हैं, नाटककार जो कालिदास हैं, वो जो बात कह रहे हैं शकुंतला के मन की बात जो कह रहे हैं, वो आज भी बिल्कुल सटीक है, सही है, क्योंकि आज भी कोई लड़की उसी तरह से मनोभाव उसको आते हैं जब वो किसी दूसरे को प्यार कर से देखती है। तो इस तरह से वो ऐसे तत्व हर जगह हमें मिलेंगे, मनोभावों का वर्णन मिलेगा जो सदा सही होते हैं। मेरा टाइम शायद खत्म हो गया है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करती हूँ। और प्रताप जो है वो चले गए कहीं पर, प्रताप चंद्र राय ने मुझे नहीं, मैं हूँ मैडम, मैं हूँ यहाँ। अच्छा, आपने मुझे बुलाया, और वो मेरे प्रिय छात्र रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत मेधावी छात्र रहे वेद के, और यहाँ पर उनको देखकर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और अजय मिश्र जी ने भी इस प्रोग्राम को करने में बहुत योगदान दिया है, तो इन दोनों को विशेष धन्यवाद और मेरा आशीर्वाद है। और आप सब जो भाई बंधु यहाँ पर हैं, उनको सबको मेरा नमस्ते है, अभिवादन है, और फिर कभी मिलेंगे जब अवसर मिले। नमस्ते। नमो नमः। बहुत सम्यक प्रकारेण निज भाषणम् अभवत्। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते इति सर्वे जानन्ति। संस्कृताध्ययनेन अस्माकं जीवनं
कथम भवेत इति अस्मिन् विषये आलोकपातम संप्रति संजातः संजातम यदि हास्ति तदन्यत्र जन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति महाभारत वाक्येन अनुमीयते यत् सर्वं यद् वर्तते तत्तु अस्मिन् संस्कृत साहित्ये प्रतिष्ठितं वर्तते। अतः इदानीं मुख्य भाषणं संजातम् समयो अतिवाहितः अतः इदानीं धन्यवाद ज्ञापनं वर्तते। धन्यवाद ज्ञापनस्य सत्रस्य अहमेव करिष्यामि यतोहि संस्कृत विभागाध्यक्ष कारणात् अस्माकम् एव दायित्वं वर्तते। धन्यवाद ज्ञापनं तु महत् विशिष्टं कार्यं वर्तते। तथापि यदि काचन त्रुटयः स्युः तर्हि भवद्भिरेव क्षन्तव्या। अस्य सत्रस्य अस्मिन् सत्रे ये खलु उपस्थिताः आसन् तेषां सर्वेषां सर्वासां च एकतन्त्रेण धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माकं कुलपतयः प्रोफेसर दीपककर महोदयाः एवञ्च डॉक्टर कुलसचिवाः डॉक्टर नचिकेता बन्धुपाध्याय महोदयाः परीक्षानियन्ताः डॉक्टर सुबलचंद्र दे महोदयाः कला संकायस्य संकाय प्रमुखाः प्रोफेसर सोनाली मुखोपाध्यायाः एवञ्च वित्ताधिकारिणः संप्रति सन्ति संजय बसु महोदयाः एवञ्च अस्माकं आईक्यूसी इत्यस्य निदेशकाः धनंजय रक्षित महोदयाः अन्ये च विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः कर्मचारिणश्च ये वर्तन्ते येषां प्रत्यक्षतया परोक्षतया सहयोगेन इयं संगोष्ठी अद्य प्रचलति तेभ्यः सर्वेभ्यः हृदयेन कार्तज्ञम् एवञ्च धन्यवादं वितरामि। एवञ्च अस्मिन् अस्यां संगोष्ठ्या ये अस्माकं मुख्य अतिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति ते भवन्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अवकाशप्राप्त वरिष्ठाचार्याः श्रीमत्यः शशी तिवारी महोदयाः इदानीं बृहत्तर वेदाध्ययनकेन्द्रस्य अध्यक्षपदं भूषयन्ति। एवञ्च यूएसएतः समागताः शिवकुमार चतुर्वेदी महोदयाः पुनश्च काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठस्य संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः एवञ्च पूर्व संकाय प्रमुखाः प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी वर्याः एवञ्च अपर्णा धीर महोदयाः एताः उपस्थिताः सन्ति। दर्त माउथ यूएसएतः समागताः सन्ति। पुनश्च अस्माकं उत्तरकाशीतः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य अध्यक्षाः श्रीमन्तः दिनेश चंद्र शास्त्री महोदयाः कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य वरिष्ठाचार्याः श्रीमन्तः सत्यजीत लायक महोदयाः एवञ्च दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य सह आचार्याः अस्माकं मित्राणि डॉक्टर रंजन त्रिपाठी वर्याः एवञ्च विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः समुपस्थिताः अन्तर्जाल माध्यमेन श्रोतारः वक्तारः श्रेष्ठा अनुजाः अग्रजाः ये खलु अस्मिन् सत्रे उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः हृदयेन कार्तज्ञं धन्यवादं च ज्ञापयामि। पुनश्च तेषां धन्यवादं कथं भवेत् इति विचारणीयः विषयः वर्तते। अस्माकं संस्कृत विभागस्य ये सहयोगिनः सन्ति डॉक्टर अजित कुमार मंडल महोदयाः ते अत्यंत स्वविषये निष्णाताः विद्वांसः सन्ति। तेषां यद् आशीर्वचांसि अस्माभिः प्राप्यन्ते तत्तु अलौकिकं वर्तते। एतेषां सहयोगेनैव एतत् सर्वं सम्पादितम्। पुनश्च अस्माकं संस्कृत विभागस्यैव सहायक आचार्याः
डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती महोदयाः विराजन्ते, ते साहित्य शास्त्रे निष्णाताः सन्ति एवञ्च झटित्येव सर्वं संसाधयितुं शक्नुवन्ति, एते प्रवीणाः सन्ति। पुनश्च अस्माकं संस्कृतविभागस्यैव प्राध्यापकाः सन्ति डॉक्टर सुभेन्दु मान्ना महोदयाः, एते व्याकरणशास्त्रे निष्णाताः सन्ति। इदानीम् अस्माकं संस्कृतविभागस्य तथा अस्याः संगोष्ठ्याः संरक्षकाः ते एव सन्ति डॉक्टर प्रतापचंद्र राय महोदयाः, एते सविनयपूर्वकं सर्वं संसाधितं, यत् किमपि वर्तते तत् सर्वं, यत् किमपि इदानीम् अवलोक्यते तत् सर्वं एतेषाम् एतैः सहयोगैः एव इदानीं प्रवर्तते। अतः तेभ्यः हृदयेन स्वागतं व्याहरामि एवञ्च धन्यवादं च ज्ञापयामि। पुनश्च अस्माकं संस्कृतविभागस्य अध्यापकाः डॉक्टर मधुसूदन दास महोदयाः, एते वेद विषये एवञ्च व्याकरण विषये निष्णाताः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं कृतज्ञतां च ज्ञापयामि। अस्माकं ये प्रिय छात्र छात्राः सन्ति एवञ्च दूरदेशतः अन्तर्जाल माध्यमेन ये शोधकर्तारः शोधवाचकाः अस्मिन् सत्रे उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्यक्षतया परोक्षतया च धन्यवादं ज्ञाप्य अभिनन्दनं च करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। एका सूचना वर्तते, इतः परमेव अस्माकं अस्याः संगोष्ठ्याः द्वितीयं सत्रं प्रचलिष्यति। अतः निवेद्यते यत् द्वितीयसत्रे ये विद्वांसः सन्ति ते सर्वे समयेन उपस्थिताः भवन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि काचन त्रुटयः स्युः तर्हि भवद्भिरेव क्षन्तव्याः। नमस्कारः। विराम विराम नहीं देना है, अभी कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा विराम नहीं देना है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा विराम लिखे ही नहीं है तुम्हें, ठीक है आपका आदेश है मैं इसका पालन करता हूँ। इतः पूर्वम उद्घाटन सत्र सेशन शुरू होगा। इदानीम जे अस्माकं मुख्य अतिथयः वक्तारः विराजन्ते तेभ्यः यद् भाषणं वर्तते यद् अस्मिन् अस्यां संगोष्ठ्याम्, अतः निवेद्यते यत् प्रोफेसर शशि तिवारी महोदयाः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अवकाशप्राप्त वरिष्ठाचार्याः इदानीं सभाध्यक्षपदम् अलङ्करिष्यन्ति, तेषां स्वागतं हृदयेन व्याहरामि। पुनश्च अस्मिन् सत्रे ये विद्वांसः विदुष्यश्च वर्तन्ते ते भवन्ति डॉक्टर अपर्णा धीरखण्डेलवाल महोदयाः, एताः असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य इति पदम् अलङ्कुर्वन्ति सम्प्रति स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज डार्टमाउथ यूएसए एंड सेक्रेटरी इति, एतत् सर्वं पदम् एतैः अलङ्क्रियन्ते। पुनश्च अस्माकं गुरुकुलकाङ्गडी विश्वविद्यालयस्य वेदविभागाध्यक्षाः प्रोफेसर दिनेशचन्द्र शास्त्री महोदयाः विराजन्ते, तेभ्यः निवेद्यते यत् अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र उपस्थिताः भवन्तु। पुनश्च अस्माकं मित्राणि दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य आचार्याः डॉक्टर रंजन त्रिपाठीवर्याः अत्र विराजन्ते, अतः निवेद्यते यत् अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु। इदानीम् अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः एवञ्च सभाध्यक्षाः शशि तिवारी महोदयाः वर्तन्ते, सा एव सर्वं करिष्यति इति निवेद्य अहं विरमामि। नमो नमः। आपका म्यूट है मैडम, आवाज नहीं आ रही है।
ठीक है। हाँ हरी हरी, धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी। अभी टेक्निकल सेशन ये फर्स्ट है जो प्रारंभ हो रहा है, और इसमें तीन इनवाइटेड लेक्चरर्स लेक्चर होंगे जी, तीन होंगे और चौथा वोट ऑफ थैंक्स है। तो जो तीन है उनका परिचय आपने कराया है, अजय जी ने कराया है, डॉक्टर अपर्णा, फिर प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर अपर्णा दिख रहे हैं जी है, दिनेश चंद्र शास्त्री जी आए हुए हैं वैसे तो, और उनका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ कहाँ चले गए, अभी तो है इधर, दिनेश डॉक्टर दिनेश, प्रोफेसर दिनेश, उनका उनकी आवाज नहीं आ रही, उनका गुरुजी आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। और डॉक्टर रंजन कुमार त्रिपाठी जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही आए हुए हैं, उनका खैर अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद होगा। अच्छा मैं इस प्रारंभ करने से पहले ये बहुत हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि इस वेब सेमिनार में लगभग 200 लोग शामिल हो रहे हैं और किसी किसी का हमें चेहरा दिखाई देता है, सबका नहीं दिखाई देता, लेकिन ये भी एक हैरानी की बात हो रही है अजय जी कि आपके इसमें मुझे एटलीस्ट दो 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 एक के दो दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जी। ये आप देख लो कि ये टेक्निकल क्या बात हो रही है, जैसे आशा पांडे दो जगह दिख रहे हैं और ये डॉक्टर राजनाथ पांडे जी भी दो जगह दिख रहे हैं। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं मैडम। हाँ आगे बढ़ाइए। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ जो श्रोता है जो वक्ता है, और पहला जो वक्तव्य है उसके लिए अपर्णा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपना विषय बताएं और अपने समय का ध्यान रखें, आपको जो समय दिया गया उसके अंदर अपना वक्तव्य उपस्थित करने का यत्न करें। जी सर्वेभ्यो नमः नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सहप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवम् सत्कार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर मैं आप सबको पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ, और सभा में उपस्थित हमारे जो इनॉग्रल एड्रेस में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर एंड हमारे जो डीन मैम थी, उन सबके लिए मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ। हमारी जो इनॉग्रल एड्रेस की मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशि तिवारी मैम रही, वही हमारे सेशन की चेयर भी हैं और मेरी आदरणीय गुरु भी हैं, आपको भी नमस्ते। और इसी के अलावा मैं कुछ वेव्स के अपने मेंबर्स भी यहाँ देख रही हूँ, उन सबको भी मैं नमस्ते करती हूँ। और मेरा जो विषय है लगभग वो विषय मैम का, क्योंकि मैम मेरी गुरु भी हैं तो मैंने सब कुछ मैम से ही सीखा है, और मेरा विषय मुख्यतः मैम ने ही कवर कर लिया, मैं शायद उसको एक नवीन दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा विषय है वैल्यूज इन लाइफ लीड टू इट्स रियल प्रिजर्वेशन, मैसेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर टू ह्यूमैनिटी। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बताना चाहूंगी, लाइफ इज नॉट अबाउट लिविंग जस्ट लाइफ, देयर इज मच मोर टू अंडरस्टैंड टू चेरिश टू डेवलप थ्रू वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइफ इज एन आर्ट, इट डिपेंड्स ऑन वन ओन क्रिएटिविटी ऑन हाउ एंड शी वॉन्ट्स टू मोल्ड हिज और हर लाइफ। नाउ द बिग क्वेश्चन इज वेयर एंड हु इज द गाइड टू डायरेक्ट अस ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स आवर सेजेस टायरलेसली एंड कंटीन्यूअसली kept on revealing such guidance through their extraordinary wisdom in the form of repository of knowledge such as Vedic mantras and Sanskrit shlokas. इस बात को मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो लाइफ है वो एक तरह का एक कैनवस है, उस पर हम जिस तरह की पेंटिंग बनाएंगे, जिस तरह की ड्रॉइंग करेंगे, जिस तरह के रंग भरेंगे, उसी तरह की लाइफ निखर कर आएगी। और अगर हमें लाइफ, लेकिन कैसे उस पेंटिंग को कैसे बनाना है, वो पेंटिंग हमें कौन बताएगा, वो हमें बताते हैं हमारे संस्कृत लिटरेचर में छुपे हुए वैदिक मंत्र और श्लोक, जिनसे हम अपनी लाइफ को चाहे अच्छे पाथ पे ले जाएं चाहे बुरे पाथ पे ले जाएं। लेकिन जैसा मैम ने कहा कि संस्कृत में जितनी भी बातें हैं सब ऑप्टिमिस्टिक हैं, सब आशावादी हैं, निराशावादी तो कुछ है ही नहीं।
तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़े, तो हमारा जीवन एक सुंदर चित्र के रूप में ही हमें नजर आएगा और बनेगा। हम जैसा जानते ही हैं, वी ऑल नो दैट संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, एज जस्ट तिवारी मैम टोल्ड, एंड वी ऑल नो, एंड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लॉट ऑफ अदर नॉलेज इज देयर इन संस्कृत टेक्स्ट। सो लेकिन जो ये जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है संस्कृत में, वो क्या करती है, दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो हमारे एम्स ऑफ लाइफ हो, चाहे सेंसिटिविटीज ऑफ लाइफ हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ हो, और ऑल आर वेल डिपिक्टेड एंड मार्क इन संस्कृत लिटरेचर। इट इज नोटवर्दी दैट संस्कृत रिप्रेजेंट्स अ कल्चर, अ टोटल इंटीग्रेटेड कल्चर, कंप्लीट होलिस्टिक कल्चर आपको संस्कृत में नजर आता है। ऐसा नहीं कि ये पक्ष छोड़ दिया और वो पक्ष छोड़ दिया। टू स्टार्ट विद, लेट अस नो अबाउट सम फ्यू मोटोज ऑफ आर गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है, यतो धर्मः ततो जयः। ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय। इंडियन आर्मी सेवा अस्माकं धर्मः। एनसीईआरटी विद्याम अमृत अनुष्णते। सीबीएसई अस्तु मा सद्गमेस। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली निष्ठा धृति सत्यम। दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ संस्कृत कोटेशंस ड्राइव फ्रॉम इट्स वास्ट लिटरेचर यूज्ड एज मोटोस। These reveals or defines the path of life that should be followed by an organization and people associated with it. सिर्फ कहने को तो ये ऑर्गेनाइजेशन और उनके लोगों के लिए ही फॉलो करने वाली बात है, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है, दीज मोटोज आर जस्ट ऑफ होल संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत हैज एनरिच्ड आवर सोसाइटी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अ स्टडी ऑफ लिटरेरी ट्रेजर ऑफ एंशिएंट टाइम्स इज एब्सोल्युटली रिलेवेंट टू अस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। एम्फसाइज ऑन सच वैल्यूज दैट नीड्स टू बी इंकल्केटेड इन अ ह्यूमन बीइंग फॉर हेल्दी सर्वाइवल एंड रियल प्रिजर्वेशन आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। मैं समझती हूँ कि ये सब संस्कृत की बातें हम जानते भी हैं और शायद हम अपनाना चाहते भी हैं, लेकिन हमारा एक, मैं सोचती हूँ कि एक पैटर्न क्या होना चाहिए लाइफ में। जैसे मैम ने एक वर्ड यूज किया था कि हमारा प्लान ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, तो उस प्लान और उस पैटर्न ऑफ लाइफ को अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो वी नीड टू फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑन आर वेल बींग फर्स्ट। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम ठीक नहीं होंगे, खुद से हमारा सब कुछ अंदर से सब कुछ एकदम हेल्दी नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, किसी दूसरे पक्ष के लिए सोच ही नहीं सकते। तो इन दैट वे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस किस चीज को है कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज पुरुषार्थ सिद्धि, जैसा कि मैम ने भी अभी पूरा बताया आपको अच्छे से। और इट इज ऑफन सेड दैट टू अटेन दैट गोल ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, वन हैज टू बी स्वस्थ फर्स्ट। स्वस्थ मीन्स हेल्दी। स्वस्थ को अगर ढंग से देखें तो उसका क्या मतलब है, स्व अपने में ही स्थित रहना, दैट इज स्टेबलाइज इन सेल्फ इज स्वस्थ। तो स्वस्थ अब लेकिन कैसे रहेंगे, इसका मतलब सिर्फ खान पान से ही नहीं है, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन से भी है। अपने आप को पहचानना, डेली इस बात के बारे में सोचना कि आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, कैसे हमें आगे बढ़ना है, दिस इज नोन टू बी स्वाध्याय, जिसके बारे में तैतृय उपनिषद में भी कहा गया है स्वाध्याय मा प्रमद। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू कंट्रोल आवर माइंड। और वो माइंड कैसे कंट्रोल होगा, व्हेन वी डिस्कवर आवरसेल्व्स, आवर रिलेशंस, आवर शॉर्टकमिंग्स, आवर अटैचमेंट्स, एंड देन ओनली हमारा माइंड भी स्टेबल होगा एंड हम हेल्दी होंगे। और अगर कुछ हमारे शरीर में या किसी तरह की मानसिक हमें कोई क्लेश है, वो सब अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत लिटरेचर ने हमें बार बार हेल्दी लाइफ होने के लिए क्या कहा है कि एवरी ह्यूमन बींग शुड गेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम षड रिपू। छह रिपुओं की बात कही है। वो छह रिपू कौन है, वो सिक्स एनिमीज आर दोज दैट करप्ट देयर माइंड। वो माइंड कैसे और कैसे माइंड करप्ट करते हैं, थ्रू नेगेटिव टेंडेंसीज। वो टेंडेंसीज जो नेगेटिव जो सिक्स एनिमीज है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड मद एंड मत्सर, जो कि आप सबको पता है कि काम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। वन शुड हैव पैशन और डिजायर टू डू समथिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। सिमिलरली क्रोध जो है, क्रोध नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। नेचर हमारा क्या होना चाहिए, नेचर इज आवर नेचर शुड बी ऑफ एक्सेप्टेंस। जो हमारे सामने जैसा है उसको उस रूप में एक्सेप्ट करने की यदि हम कोशिश करें तो हमारे अंदर जो एंगर की एक होता है ना फीलिंग आती है, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। लोग हमारे को संतुष्ट रहना, आत्मभाव में भी संतुष्ट रहना, जो मेरे पास जितना है आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को लोभ से कंट्रोल करने के लिए। हो अफेक्शन इज वेरी अफेक्शन एंड अटैचमेंट अपने नियर वन से होना स्वाभाविक है, बट अगेन
वो जो है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए. इसी तरह जो मद है, जो प्राउड का फीलिंग है, जो एरोगेंस है, वो कभी नहीं होनी चाहिए किसी के भी माइंड में. हम जितना भी अच्छा करते हैं लेकिन उसके लिए मैं प्राउड, ऐसा करना कि नहीं हम ये हो गए, हम वो हो गए, ये प्राउड वाली फीलिंग हटाकर हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए कि आज हम यहाँ है लेकिन हमें इससे आगे सोचना है. लेकिन ऐसे सोचना है कि किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना. मत सर, उसके अंदर भी ये है कि हमारे को फीलिंग ऑफ एनवी से दूर रहना है, अपने अंदर वननेस की फीलिंग लानी है. जब हमारे अंदर सबको हम एक रूप देखेंगे तो शायद जेलेसी नाम की चीज होगी ही नहीं. और इन सब चीजों से जब हमारे ये षड रिपू जो है हट जाएंगे, हमारा माइंड इनसे फ्री हो जाएगा, ओनली देन हम कह सकते हैं. लेकिन सॉरी, ये षड रिपू जो है हमारे माइंड से तभी हटेंगे जब हम अपने आप को एक रूप में स्थित करेंगे. वो है योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, अपने माइंड को, अपने चित्त की वृत्तियों को, जो हमारे मन में उठने वाले भाव है, उन भावों को सबसे कंट्रोल करके हमें अपने में ही स्थित होना है. दैट पर्सन इज कॉल्ड टू बी स्वस्थ. लेकिन ये इतना आसान नहीं है अपने आप को कंट्रोल करना, हमें उसके लिए योग करना होगा. लेकिन योग का मतलब सिर्फ आसन से नहीं है, उसका मतलब है अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करके आगे बढ़ना, एक कंपोजिट डेवलपमेंट करना अपनी ह्यूमन पर्सनैलिटी की, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे. फिजिकल तो हम आसन के रूप में करते हैं, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल का मतलब है, जिसको अगर आप देखें तो ध्यान, अगर हम देखें अपने संस्कृत टेक्स्ट को तो हमें बहुत से उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो बार बार, जैसे हमारा पतंजलि योग शास्त्र है, बहुत सारे ऐसे और भी शास्त्र हैं जिसके अंदर सिर्फ इसी बात पे बल दिया हुआ है कि हाउ टू गेट बैलेंस माइंड, कंट्रोल सेंसेस, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ईगो, अहंकार, चित, हमारे हर तरह की चीजें अपने कंट्रोल में ही रहे, कोई भी आगे बढ़कर हमारे सिर पे एकदम सवार ना हो जाए, इस तरह की चीजें. तो लेकिन ये सब चीजें जब हमारे को चाहिए, उसके साथ जैसा कि मैम ने भी बताया था, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच चाहिए. ये सब चीजें तो हम अपना माइंड भी कंट्रोल करेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ भी बनाएंगे, लेकिन किस लिए? वी नीड अ डिजायर्ड लाइफ ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर्स, ये नहीं कि कम. तो वो जैसा मैम भी कह रही थी, तैतृय ब्राह्मण में भी आया है शतायु पुरुषः शतम जीवेम शरदः, और आप यजुर्वेद का मंत्र तो आप सब जानते ही हैं, पशेम शरद शतम जीवेम शरद शतम. इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, बट दिस लॉन्ग लाइफ कंसिडर्स टू बी फिट इन द सेंस ऑफ हेल्दी सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन सब बहुत बढ़िया चलते हो, हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में, ओनली देन 100 ईयर्स ऑफ लाइफ इज नीडेड. And also, लेकिन वो 100 ईयर्स ऑफ लाइफ हमें कब मिलेंगे? When we are actually focused on our duties and responsibilities. कर्मों को करते हुए हमें 100 ईयर्स चाहिए. इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में आया है, जैसा मैंने भी बताया था, only by performing actions one should desire to live 100 ईयर्स on this earth. आप खुद सोचिए, खाली बैठे बैठे तो हम ऐसे बैठे हैं ना, हम स्वस्थ रहेंगे ना हमारा माइंड देखते हुए, तो how could we can get 100 ईयर्स ऑफ लाइफ. This Upanishadic thought very well explained it in Srimad Bhagavad Gita. Shri Krishna also told that perform your prescribed duty, for action is better than inaction. One cannot even maintain one's physical body by being inactive. जो inactive है उसकी body भी physical active नहीं रहेगी, ना ही वो स्वस्थ रहेगी, ना ही healthy रहेगी. So a person is called to be कर्मनिष्ठ. वो कर्मनिष्ठ तभी कहलाएगा जब वो ड्यूटीफुल होगा. लेकिन ड्यूटीफुल होते हुए उसको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने पाप और पुण्य कर्मों के बारे में, जिसके बारे में गीता में तो बहुत ही इलैबोरेटेड थॉट है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में भी मुझे कुछ मिला. पुण्य हो वही पुण्यन कर्मणा भक्ति, पाप पाप नेति. मतलब पाप जो हम कर्म करते हैं उसमें से जो पुण्य है उनका पुण्य फल मिलता है, और जो पाप कर्म होते हैं उनका पाप फल मिलता है, मतलब बैड उसके वो होता है रिजल्ट. तो इस चीज पे भी फोकस पहले से किया गया कि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप हमें बताई गई है सिर्फ संस्कृत के टेक्स्ट में. इसके अलावा हम अपने ड्यूटीज के प्रति हमें ट्रूथफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट मतलब ट्रूथ जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्चू, और उसके बारे में कहा गया है कि इफ एनीवन हु स्पीक्स अनट्रूथ वो जो है इम्प्योर हो जाता है, ही और शी बिकम अपवित्र. इसके लिए शतपथ ब्राह्मण में आया अमेध्यो वही पुरुष हो यज्ञ नृतम वदती. इसीलिए कहा गया है, बार बार कहा गया, सत्यमेव वदेत, सत्य ही बोलना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज अबव मेंशन्ड मेनी अदर वैल्यूज इन पोस्ट वैदिक एरा आर नरेटेड इन संस्कृत टेक्स्ट दैट टॉक्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट. यहाँ मैंने एक रूपरेखा सिर्फ दी है कि किस तरह अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है. लेकिन जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी उसके बाद में सोसाइटी की, उसके बाद क्या मतलब, उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि उसके साथ ही हमारा पैरेलल साथ, क्योंकि मन से हम स्वस्थ हैं तो नेचुरली हम सोसाइटी की हार्मनी के बारे में भी बात करेंगे.
क्योंकि सोसाइटी की हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, वी एज वी ऑल नो दैट आवर रिलेशंस इन्वॉल्व टू और मोर देन टू पीपल विद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट्स, हेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, आइडल्स, बिलीव्स, परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस, थॉट्स, बिहेवियर पैटर्न्स, हैबिट्स आर देयर एंड वेरी नेचुरल. इतनी सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं. तो उससे क्या होता है, एक पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड ही समटाइम्स फील मोर कंफर्टेबल. कभी वो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा, कभी स्ट्रेसफुल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ही बिकम पोसेसिव और यूज करेगा हार्श वर्ड्स. तो इन दैट एक्शंस उसको अपने माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको अपने रिलेशंस में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एक्शंस में, हर चीज में हार्मनी की जरूरत है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो होगी होगी, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट से उसका माइंड तभी कंट्रोल में रहेगा अगर वो अपने रिलेशंस में हार्मनी रहेगा. तो इसीलिए जैसा मैम ने भी पहले कहा, यजुर्वेद में जो यत्र विश्वम भवति एक नीडम, यात्रावेद में कहा गया यत्र विश्वम भवति एक रूपम, सबको एक समान अपने परिवार के रूप में जब हम देखेंगे तभी जाके ये बात हमारे हमारे मन में आएगी और हम सभी तरह की हार्मनी, जैसा कि यजुर्वेद में ये भी कहा गया, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मान्य एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुगुप्सते. किसी से किसी प्रकार की घृणा ना कीजिए, अपने आप ही हार्मनी आएगी. और इसका कारण, इसको और इलैबोरेटेड करके हमें उपनिषद में बताया गया कि जब हम सबको कैसे देखेंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस रूप में देखेंगे तो अपने आप ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर तरह का डिस्कस्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक परस्पर हार्मनी की फीलिंग आएगी. और ये जो बाद में जैसा ही तो उपदेश में भी कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा, इस तरह की जो बात है ये भी हमारे मन से टोटली हट जाएगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमारे को जो दूरदृष्टि दिखाई गई है वो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले दिखाई गई है, जिसे वैसे तो वैदिक संहिताओं में ही है, लेकिन जहां मैं ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ, कि इस हार्मनी को हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम यज्ञ की दृष्टि अपनाएंगे. यज्ञ जो है एक तरह का यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी का ही सबसे बड़ा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसमें जैसे कि शतपथ और तैतृय में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म. क्यों यज्ञ को कहा गया, क्योंकि इट इज सेक्रीफाइसिंग योर ओन सेल्फ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट का त्याग कर देना इज यज्ञ. इसीलिए हम हार्मनी तक पहुंच पाएंगे. इसी के बारे में ईशावास्य उपनिषद में पुनः बताया गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता, अगर हम त्याग भावना से जो मेरे पास जितना है उसको भी मैं त्याग से उसका भोग करूं, तो नेचुरली हमारे अंदर आपसी रिलेशंस हमारे अच्छे बनेंगे, सेल्फ सेंटर्डनेस खत्म हो जाएगी. और श्री कृष्ण ने तो सीधा यही कहा है कि रिनंसिएशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय पीस, त्यागात शांति अनंतरम. जैसे ही आपने त्याग किया, त्याग की भावना आपके मन में आई, वैसे ही आपको शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा. तो यही अपने आप में हार्मनी की एक बात है. हार्मनी सिर्फ इसी से नहीं आएगी, त्याग के साथ साथ सबके विचारों में एक रूपता होनी चाहिए, सब एक जैसा, एक यूनिटी की थॉट, यूनिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्सप्रेशंस एंड नॉलेज होना चाहिए. संगच्छुत्वम संबद्धत्वम संभो मानसी जानताम सामानी व आकृति सामाना हृदयानी व, ऐसे कुछ मंत्र ऋग्वेद के हैं जो आप सभी जानते हैं, जो इन बातों को कहते हैं. तैतृय उपनिषद में भी सहना अवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यम करवा वह करके जो बात की गई है वो भी देखा जाए तो वहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं है कि मैं ये हो जाऊँ. वहां पर बात है द फिलोसफी ऑफ टुगेदरनेस हमें दिखती है, हर कोई सब एक साथ मिलकर चले, तो प्रेयर्स फॉर ह्यूमैनिटी हमें मिलती है. तो ये बात है, इससे पता चलता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमें सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट, सोसाइटी की हार्मनी की जरूरत है. लेकिन ये सब भी तभी संभव है जब नेचर हमारा साथ दे, और नेचर हमारा तभी साथ देगा जब हम उसके साथ मिलकर चलेंगे. तो इसीलिए हमारे वैदिक मंत्रों में, हमारे संस्कृत टेक्स्ट में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन की बात की गई है, एंड दैट इज वेरी मच विजिबल इन वेरियस संस्कृत श्लोकास ऑफ स्पेशली इन द कालिदास, जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे ड्रामा हो चाहे महाकाव्य हो, सब में आपको प्रकृति चित्रण दिखता है. और अथर्वेद का तो सबसे पहला जो मंत्र है, जो मतलब बारहवें अध्याय का जो सबसे बड़ा मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी अहम, उसमें तो एक ही लाइन में कह दिया कि अपनी माँ के रूप में आप अपने अगर अर्थ की पूजा करें, उनका उनका संरक्षण करें, उनके प्रति संवेदनशील रहें, तो नेचुरली वो आपको बच्चे की तरह ही आपका लालन पालन करेंगी. तो ये सारी बात, और शांति मंत्र भी आप सब जानते हैं, मैं समय को बचाने के लिए यहाँ मंत्रों को नहीं पढ़ रही हूँ. अब हम नेचर के साथ आपसी तालमेल और हम खुद स्वस्थ, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य जो पुरुषार्थ है वो अधूरा है, क्योंकि वी नीड टू फोकस ऑन यूनिटी विद सुप्रीम एंटिटी. अब हमें उनसे मिलना है. ये जीवन में हमारी ये जितनी चीजें सब पैरेलल चलती हैं,
इसमें बेशक मैं इसको बीच में बोल रही हूँ, टाइम लगभग खत्म पर रहा पढ़ना। जी मैम बस खत्म ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस आप सभी जानते हैं जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में जो बताया गया है कि सब कुछ सब जगह ईशावास्य मिदम सर्वम, सब चीज जो है सुप्रीम एंटिटी द्वारा ही व्याप्त है और सुप्रीम नेचर हमारे को गीता में भी इसी बात को व्यक्त किया गया। तो एकात्म दर्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन मस्ट ट्राई कि मैं किस तरह से अपने आप को सुप्रीम एंटिटी के साथ इंटीग्रेट करूं। और इसके लिए लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि जिसके अंदर इवन आए होगा उसी के अंदर डिप्रेशन और अटैचमेंट की चीजें नहीं होंगी, लेकिन इस तरह की चीज तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव डिवोशन, व्हेन यू हैव जब आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ श्रद्धा रहेंगे। श्रद्धावान लगते ज्ञान अब तक पर सबको पता है ये बात कि जो श्रद्धा डिवोटेड होगा उसी को ये सब ज्ञान मिल सकता है, वही यूनियन हो सकता है, उसी की यूनियन हो सकता है, उसी का हार्मनी हो सकता है। सो इन कंक्लूजन मैं सिर्फ इतना शॉर्ट में कहना चाहूंगी, द मैसेज ऑफ पीस एंड इंटीग्रिटी एंड को एग्जिस्टेंस इज देयर इन संस्कृत टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सुभाषितास, एंड इट इज देयर इज अ क्विक नीड टू रीसर्वे आवर संस्कृत लिटरेचर फॉर दिस। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाके सिर्फ एक लाइन में ये लास्ट में अपनी बात को ये कहना चाहूंगी, संस्कृत फैसिलिटेट्स द जर्नी टुवर्ड्स वन्स ओन सेल्फ, दैट इज द जर्नी ऑफ टुवर्ड्स ट्रुथ, एंड हेंस इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ फॉर लाइफ, लाइफ के लिए अपनी ही लाइफ में कभी लेट नहीं है, टू अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, एज इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। थैंक यू। Yeah, we were listening just to Aparna Di, and she has pointed that Sanskrit culture is holistic culture. It always instructs that you cannot leave an aspect to get another aspect. So all the aspects of your life should be honored. और ये उन्होंने बार बार बताया कि मैं उनकी टीचर या उनकी गुरु रही, तो ये मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर जो हमारी चर्चा भी चल रही है उसी संदर्भ में ये भी मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों को अपने जीवन में गुणों को बढ़ाना पड़ता है, मेहनत करके उनको डेवलप करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और मैं अपर्णा की एक गुण अगर आप मानते हैं तो गुण, नहीं तो मैं तो फिर सिर्फ ऐसे ही विशेषता कहूंगी उनकी है कि उन्होंने ये जैसे कोई चीज शुरू करना है, बहुत से लोगों का आप देखते हैं शुरू करते हैं कोई विघ्न आता है छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं वो नहीं छोड़ेंगी, अगर उन्होंने शुरू किया तो उसको समाप्त करके ही रहेंगी और जब तक करेंगी उसको अच्छे से करेंगी, मैक्सिमम जितनी उनकी एबिलिटीज है सारा उसमें डाल के करेंगी। भर्तृहरि का जो नीति वाक्य है ना, प्रारब्ध से न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध विघ्नविता मेरुविलुम्बन्ति मध्यम, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं और उत्तम जन होते हैं जो उसको करते जाते हैं। तो ये हम लोग, मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है कि जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें विघ्न जरूर आएंगे, जीवन है हम लोगों का चुनौतियों से भरा होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी कार्य बड़ा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन उसके विघ्नों से घबराना नहीं है, उनका रास्ता निकाल के आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ये अपर्णा धीरे से हम लोग सीख सकते हैं। तो मेरे मुझे ये बहुत अच्छा लगा अजय कुमार मिश्र जी ने और प्रताप ने, मुझे जो तीन वक्ताओं को सुनने का मौका दिया, वो तीनों को मैं जानती हूँ और उनके गुणों को भी जानती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा यहाँ पर बता पा रही हूँ। अब हम दूसरे विद्वान वक्ता को आमंत्रित करते हैं, वे हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, जो कि अभी HOD वेद विभाग गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के रहे थे, लेकिन अभी अब उनका कार्यकाल पूरा हुआ है तो HOD नहीं है, लेकिन प्रोफेसर का कार्य देख रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं, हेडशिप चल रही है। अच्छा, तो अभी भी दिनेश चंद्र शास्त्री जी को भी जब मैं देख रही हूँ, कम से कम 20 वर्षों से देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया अपर्णा की कुछ प्रशंसा में कहा, वैसे ही मैं इनके विषय में भी कहूंगी कि आप इनसे भी सीखेंगे, इनके वक्तव्य को जब हम सुनेंगे तो हम समझ भी पाएंगे, लेकिन जो मैंने अनुभव की इनकी विशेषता वो इनका दृढ़ संकल्प है। अगर इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया करके ही रहना है, क्योंकि आपने जाना है ना कि मन से सब कुछ होता है, तो मन में प्रथमतः संकल्प आता है, उस संकल्प पर चलना, उस पर
कुछ भी हो जाए चलना, तो ये जो दृढ़ता है ये गुण अगर होगा तभी आप किसी कार्य के सफलता तक पहुंचा पाएंगे। ये दिनेश चंद्र शास्त्री जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैंने यहाँ पर अगर उनको इस तरह से बताया तो इसलिए बताया क्योंकि मैं उन्हें इस तरह से मैंने जाना है और उनको देखा है, और उन्हें खुद भी ये बात पता है कि नहीं मुझे नहीं पता है कि ये उनको अपनी गुण का पता है कि नहीं। जी, मैं तो बहुत, तो आपको समय का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि समय थोड़ा सा आगे भाग रहा है, दिया गया है जो भी समय, ठीक है वो तो है, कितना समय दिया गया है? 25 मिनट का, 25 मिनट, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा 20-22 तक रूप में ही कोशिश कीजिए। धन्यवाद और आपका स्वागत। और एक दूसरी बात है, आप वेद के परम विद्वान है, वेद के परम विद्वान है, और वाग ज्योति नाम की एक पत्रिका आप निकालते हैं, शोध पत्रिका, और अगर किसी को अपने शोध लेख देने हैं तो वो उनको दे सकते हैं, और रेगुलरली निकाल रहे हो, कई वर्ष हो गए निकालते हुए, संपादन के कार्य में आपकी कुशलता का सूचक है वो जो ग्रंथ है, और इसी तरह से आपने लेख भी लिखे हैं, किताबें भी लिखी हैं, तो यहाँ बहुत स्वागत योग्य है आपका आना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप वेव्स की कार्यकारिणी में भी हैं, बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं दिनेश शास्त्री जी, आज को देख के अच्छा लग रहा है, यहाँ लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, आपका स्वागत है, स्वागत है वक्तव्य के लिए, धन्यवाद दीदी जी। इस टेक्निकल सेशन की चेयरपर्सन वेदश्री डॉक्टर शशि तिवारी जी, जिनके वक्तव्य को हमने की नोट स्पीकर के रूप में प्रारंभिक सत्र में हमने सुना था, जो इस वेबिनार का उद्घाटन हुआ उसमें, और बड़ी विदुषी हैं वेदश्री, मैं उनको लिखता हूँ, श्रुतिश्री लिखता हूँ, और विदुषी हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार है। मुझे खुशी है, मैं बड़ी बहन के रूप में मानता हूं, और वो इस सेशन को चेयर कर रही हैं, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, कई बातें मैंने आपसे अभी आपके उद्बोधन में सीखी। मेरी छोटी बहन अपर्णा भीर खंडेलवाल, जिनका अभी वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे, बड़ा सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, और इस सेशन में, टेक्निकल सेशन में जो तीसरे वक्ता हैं, मैं यदि नाम नहीं भूलता हूं तो रंजन कुमार त्रिपाठी जी, और प्रोफेसर अजीत कुमार मंडल, और अजय कुमार मिश्र जी, जो इस संस्कृति विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और मेरे भी स्टूडेंट हैं डॉक्टर प्रताप चंद्र रॉय, दीदी के स्टूडेंट रहे और हमारे भी रहे, करतारपुर में आपने विद्या अध्ययन किया, यहाँ आते रहे प्रैक्टिकल के करवाने के, उसमें मैं इनके उसमें रहा, तो मेरे विद्यार्थी की तरह ही हैं ये। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विश्वविद्यालय के वेबिनार में, मुझे एक इनवाइटेड लेक्चर के लिए आप लोगों ने बुलाया, मैं ऑनलाइन अपनी बात को रखना चाहूँगा जैसा कि आप सबने रखा है। क्योंकि मेरा संबंध वैदिक साहित्य के साथ में है, यूं तो दीदी का भी संबंध वैदिक साहित्य के साथ में ही है, परंतु मैं लगभग 28-29 वर्षों से डायरेक्ट रूप से वेदों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो अपने को वेद का विद्यार्थी मानता हूं। तो मैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदास इन प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन संरक्षण में जो वेद हैं उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इस विषय पर थोड़े से अपने विचार रखूंगा। जैसा कि दीदी ने कहा कि समय का ध्यान रखना, समय का मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा यदि कुछ मिनट ज्यादा हो जाएंगे, इस समय 12:50 हो रहे हैं, तो 25 मिनट आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो ये 1:15 तक का समय मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही समाप्त करूं। वेदों के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण हमको दिखाई देते हैं। एक दृष्टिकोण है मध्यकालीन भारतीय जो कमेंट्रेटर्स हैं, जो याज्ञिक कर्मकांड वैनियोगी के भाष्यकार हैं, और जिनकी विचारधारा इस मध्यकाल से लेकर के आज तक जो भारतीय समाज जिसको स्वीकार करता है वो है कर्मकांड परक व्याख्या। और जो दूसरे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं,
इस 19वीं शताब्दी में जिन्होंने वेद को एक लिपिबद्ध रूप में, जो प्रकाशन के रूप में जिन्होंने बहुत संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, एक उनका दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है, एक का दृष्टिकोण कर्मकांड परक है। तो दोनों के दृष्टिकोण को यदि मैं देखता हूं तो मुझे ये एकांगी दृष्टिकोण दिखाई देता है, परंतु वेदों का जो सर्वांगीण दृष्टिकोण है, सर्वपक्षीय दृष्टिकोण है, वो सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर वेदों की सिग्निफिकेंस हमारे सामने दिखाई देती है। विश्व आज भौतिकवादी सभ्यता से अत्यंत ग्रस्त हो चुका है। वर्तमान काल के जो ज्ञान विज्ञान है, उसके रहते हुए भी वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका एक मोटा सा उदाहरण COVID-19 आपके सामने है। यूरोप और अमेरिका के, अर्थात कह लीजिए जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका है, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वहां देखने को मिलती हैं। दुनिया की दूसरे नंबर पर मेडिकल फैसिलिटीज यदि कहीं देखने को मिलती है वो इटली है। इन दोनों देशों में जो डेथ रेशो बढ़ी है, जो त्राहिमाम त्राहिमाम है, वो मॉडर्न ज्ञान विज्ञान के होने के बावजूद भी वो रुक नहीं पाई। इससे ये पता चलता है कि ज्ञान विज्ञान की उपस्थिति से समझने में हम असमर्थ हैं जो मॉडर्न है, कि वर्तमान काल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इनमें देखने को नहीं मिलता। वैदिक वाङ्मय की जो शिक्षाएं हैं वर्तमान संदर्भ में बहुत ही उनकी सिग्निफिकेंस है, उनकी रेलिवेंस है और उनकी इम्पोर्टेंस है। मनुष्य के अस्तित्व को अब संकट जब पैदा हो गया है, मनुष्य ने विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा कर लिया है, ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विश्व एक आग की भट्टी पर बैठा हुआ है, केवल एक माचिस की तिल्ली खींचने की देर है। ये वैज्ञानिक उन्नति तथा भौतिकवादी सभ्यता के विकास ने मनुष्य के प्रति वैर विरोध, अविश्वास, घृणा, इन सब का वातावरण आज क्रिएट कर दिया है। न केवल एक देश के साथ दूसरे देश का, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ में, एक जनपद का दूसरे जनपद के साथ में, और इन सब के अंदर रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनका भाषा की दृष्टि से, उनका खान पान की दृष्टि से, उनका रहन सहन की दृष्टि से, उनका आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, सर्वत्र जो है घृणा का वातावरण दिखाई देता है, अहंकार का वातावरण दिखाई देता है। ये जो अविश्वास है ये कैसे हो, ये विश्व जो है वो युद्ध की ज्वालाओं की तरफ बढ़ रहा है। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना चाहोगे, ये प्रश्न खड़ा है। इस विश्वविद्यालय ने, पुरुलिया के इस विश्वविद्यालय ने, आप जिसमें हैं, उसने संस्कृत साहित्य की जो सिग्निफिकेंस को लेकर के जो एक वेबिनार का आयोजन किया है, ये बहुत सटीक है आज के समय में। वेदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेद ये कहता है, चाहे ऋग्वेद है चाहे अथर्वेद है, दोनों वेदों में अभयम नक्तम अभयम, अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात्, अभयम जातात् अभयम पूर्वयः, अभयम नक्तम अभयम दीवान है सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हमको अपने मित्र से कोई डर ना लगे, जो शत्रु है उससे भी हमको डर ना लगे, जिनको हम जानते हैं उनसे भी हमको डर ना लगे, जो हमारे प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, जिनका चलना फिरना हमारे सामने, उनसे भी हमें किसी प्रकार का भय न हो। रात दिन हमें भय नहीं होना चाहिए। सारी दिशाएं, सारी आशाएं जिनको कहा है वो मेरे मित्र की तरह हूं। वेद का ये दृष्टिकोण है इस संसार के प्रति। और दूसरा यजुर्वेद का दृष्टिकोण है कि मे वी ऑल बी लुक्ड एट विद ए फ्रेंडली आई, कि मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा मांगे। ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ही आता है, जिसमें द्यहु शांति भी आता है, शन्नो देवी भी आता है, गायत्री मंत्र भी उसमें आता है, यतो यत समीह से भी आता है, ये सारे मंत्र उसमें हैं। और उसमें फिर ये आया कि मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं और सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखेंगे।
कितना कितना बड़ा वेद का व्यापक दृष्टिकोण है इस विश्व के लिए जो है। संसार की रचना पालन तथा उसके संहार के पीछे यदि हम किसी आध्यात्मिक शक्ति की संभावना को स्वीकार करें तो भौतिकता की विभीषिका से पिंड छुड़ाना हमारे लिए सहज हो सकता है। इसी उद्देश्य को लक्ष्य रख करके यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का कह लीजिए जो 40वां अध्याय है, जिसको ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, उसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्र देह कस्य स्विद्धनम्, कि ईश्वर ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि का कण कण ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर के द्वारा आवास करने योग्य है, उसके द्वारा रक्षणीय है। विश्व प्रपंच की इस गूढ़ पहेली को सुलझाने के लिए ही इसी प्रकार की आध्यात्मिक समाधान की आवश्यकता आज हम सर्वत्र अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विश्व ने मंदिर तो बनाए, विश्व ने मस्जिदें बनाई, विश्व ने चर्च बनाए और पूजा स्थल बनाए, परंतु परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह व्याप्त न हो, इस चीज को भुला दिया है। व्यक्ति की भांति आज परिवार का विघटन, पारिवारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इस भौतिकवादी विचारधारा ने मनुष्य को अधिकाधिक स्वार्थ प्रवण बना दिया, सेल्फ सेंटर्ड बना दिया, और पर पीड़ा के अनुभव संवेदना से विरहित होकर दूसरे की पीड़ा में खुशी आनंद लेने की स्थिति उसमें पैदा कर दी गई। ये सब क्यों है? ये अत्यधिक भौतिकता के कारण है। जनरेशन गैप की बात हम करते हैं, यदि कोई अच्छी बात करता है बोले तो पुराने लोगों की बात आप करते हो, इसलिए परिवार बिखर रहे हैं। अथर्ववेद का जो तीसरा कांड है और उसका जो 30वां सूक्त है, उसके 30वें हिम है, उसमें कहा सहृदयम सामनस्यम अभ्य द्वेषम कृणोमि वा अन्योन्यम अभिहरियत वत्सम जातम इव अग्न्या। जैसे सद्य प्रसूता गौ अपने शिशु को चाटती है, इसी तरीके से परिवार के लोग आपस में मिलजुल करके रहे। माँ भ्राता भ्रातरम द्वीक्षण माँ भ्रातरम उतस्वसा, भाई भाई से द्वेष न करे। भाई भाई के द्वेष का सबसे बड़ा उदाहरण 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध है। परस्परम विवादे तु वयम पंच शतंचते अन्य से विवादे तु वयम पंच शतोत्तरम, जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा था। परंतु भाई का भाई के साथ जो झगड़ा हुआ, दुष्ट दुर्योधन ने जो शठ था सही था ठान था, तो डूबता भारत नहीं और रण रक्त पारावार में ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। एक पापी भाई ने जो है पूरे कुटुंब को डुबा दिया और उस कुटुंब का डूबना ये हुआ पूरा भारत वर्ष जो है तहस नहस हो गया और उसमें वर्ण संकरता पैदा होगी। उसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, जो चक्रवर्ती साम्राज्य हमारा था जो ये एक मैंने परिवार का उदाहरण आपके आपके सामने रखा। सहृदय हो दूसरे के दुख में दुखानुभूति हमको होनी चाहिए, दूसरे के सुख में बड़े सुख की अनुभूति हमको होनी चाहिए। बहन बहन से द्वेष ना करे, भाई भाई से द्वेष ना करे, पुत्र माँ के मन के अनुकूल चलने वाला हो, पुत्र पिता का अनुग्रत होना चाहिए, अनुगमन करने वाला हो। परंतु आज ये स्थिति भारत में दिखाई नहीं देती, विदेशों में तो बहुत दूर बहुत ये दिवा स्वप्न के समान है जो ये, वहां तो है ही नहीं जो ये। भौतिकवादी सभ्यता के विनाशकारी प्रभाव को दूर करने के लिए आज के समाज शास्त्रों ने बहुत सारे विकल्प और समाधान प्रस्तुत किए, उसमें एक विकल्प समाजवाद का भी है, एक विकल्प पूंजीवाद का। पूंजीवादी दृष्टिकोण ने हमारी कठिनाइयों का जो मूल है, सारी समस्याओं का जिसके पीछे अर्थ है, जिसने एशिया के कई देशों को तहस नहस किया है, और अब भी यह इकोनॉमिकली जो आस्पेक्ट है इनका, जो इनका व्यू है, उसी के पीछे ही संसार जो है ये विनाश के कगार पर पहुंच रहा है। चाइना हो चाहे अमेरिका हो, हमने सद्दाम हुसैन का हश्र देखा, हमने अब अफगानिस्तान का हश्र देखा, ये सब तेल के कुएं की लड़ाई है जो ये। और चाइना भी अपने जो उसका कॉरिडोर बना रहा है इकोनॉमिकली, वो भी इसके पीछे यही पूंजीवादी दृष्टिकोण है। इस पूंजीवादी दृष्टिकोण को वैदिक जो समाजवाद है, वैदिक सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
आखिर 2 शताब्दी पूर्व स्वामी दयानंद ने जो है अपने सिद्धांतों में इसकी उद्घोषणा की थी। जो है ये जो जो कम्युनिज्म पैदा हुआ, इसके जो कहते हैं कि ये साम्यवाद कम्युनिज्म जो जर्मनी से पैदा हुआ, उसने कई देशों में अपनी सरकारें बनाई हैं। जो है ये आप देखिए कहाँ टिक रहा है, उसमें डिक्टेटरशिप पैदा होगी, उसमें कहीं तर्क को स्थान नहीं है, उसमें बुद्धि को स्थान नहीं है, बस जो लाइन खींच दी बस उसमें वही है। उसमें कुछ लोग डिक्टेटर हो जाते हैं, यूएसएसआर वो टूट करके कई देशों में विभक्त हो गया, जिसको रसिया बोलते हो आप। जो है और 2 कंट्री बचे हैं, एक चाइना एक और उत्तर कोरिया जो है, बाकी सब स्थानों से जो है ये कम्युनिज्म समाप्त तो हो गया। जो है क्योंकि ये विचारधारा भी ठीक नहीं है, इसलिए प्रश्न खड़ा होता है जो हजारों साल पहले जो वैदिक विचारधारा थी, जो हमारा सिस्टम था, जो परिवार का सिस्टम था, समाज का सिस्टम था, देश का सिस्टम था, विश्व का था, और ह्यूमन बीइंग के अलावा जो दूसरे बीइंग हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनका भी तो जीवन आता है। आपने संस्कृति की जो सिग्निफिकेंस है वो ह्यूमन लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए की, परंतु वेद तो संस्कृत वांग में तो इससे आगे बढ़ करके बात करता है। मेरे की रक्षा कर, दो पैर वाले प्राणियों की रक्षा कर, वेद ने कहा, द्विपाद चतुष्पाद इनकी रक्षा की बात कही है। इसलिए कहीं ना कहीं हम भटके हैं। जो ये जो जो आज का जो ज्ञान विज्ञान है, इसने व्यक्ति को नितांत जो है वैयक्तिकता के भावों से अलग कर युक्त कर दिया है, इंडिविजुअलिटी की तरफ लेकर के वो जा रहा है। वेद कहता ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का जो अंतिम हिम है, जो अंतिम सूक्त है, जिसको यूनिटी का सूक्त हम बोलते हैं, संगठन सूक्त बोलते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जाहृतम, ये पूरा का पूरा है। जो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वायु, उपनिषदों में ये मंगलाचरण भी है कई उपनिषदों का, और ये उपसंहार भी है। जो ये और वेद ये भी कहता है, हम डिवाइन मॉडल को अपने माने, डिवाइन मॉडल जो देव हैं, जो इनको डिवाइन मॉडल बोलते हैं, हमारा आदर्श जो है पुरोहित जिसको बोलते हैं वो अग्नि है। अग्नि कौन है? जो भी आगे रहता है, परमपिता परमात्मा को अग्नि कहा। हर फील्ड की कोई ना कोई अग्नि है, प्लेयर में यदि कोई अच्छा प्लेयर्स हैं तो वो हमारे मॉडल हो सकते हैं। संसार के अंदर जो भी अच्छा है वो हमारा मॉडल होना चाहिए। जो ये आज सभ्यता फूट विनाश की कगार पर खड़ी हो गई है, इन सब के मूल में लगभग 3 बातें हैं, एक है अज्ञान, एक है अन्याय, और तीसरा है अभाव। अज्ञान को हम जान से दूर करें, अन्याय को हम ताकत से दूर करें, और अभाव को हम भाव से अर्थात धन से दूर करें, यह वैदिक दृष्टिकोण है। ऋषियों ने अज्ञान को अन्याय को अभाव को दूर करने के लिए 4 प्रकार के क्लास सिस्टम बनाए थे। जो है ये वो श्रम विभाजन था। जो है ये एक एक का था, और वो 2 प्रकार के इनके कर्तव्य थे, एक परलोक संबंधी कर्तव्य और दूसरे धनोपार्जन के लिए लोक संबंधी कर्तव्य। जो है ये और इनको निर्वहन करने वाला और देने वाला वो था आचार्य, वो गुरु का गुरुकुल में निवास करने वाली जो अथॉरिटी थी जो हमारी, वो चलते समय जब कन्वोकेशन मैसेज करते थे तब वो अथॉरिटी हमारे हमारे ऊपर ठप्पा लगाते थे। जैसे नगर पालिका के जो पशु छूटे होते हैं उन पर ठप्पा लगा होता है, ऐसे ही जो ठप्पा लगा होता था कि तू ब्राह्मण, यू आर ब्राह्मण, यू आर क्षत्रिय, यू आर वैश्य, ये 3 क्वालिटी जिनमें होती थी वो, और जिनमें 3 क्वालिटी नहीं है वो 4th क्वालिटी में आता था। आश्चर्य की बात है कि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और वैदिक संहिताओं का अध्ययन करते हुए कहीं भी परलोक संबंधी कर्तव्य में कोई भेद नहीं है इन वर्णों का। केवल यदि कई है वो केवल यहाँ है कि जीविका उपलब्ध करने के जो लोक संबंधी कार्य है उनमें, और इसका प्रारंभ इस क्लास सिस्टम का जो प्रारंभ होता है गृहस्थ आश्रम से होता है। आयु इट मींस आयु के 25वें वर्ष से प्रारंभ होगा, और वर्णों का प्रारंभ भी उसी समय से हुआ करता है। वर्णों का जन्म के साथ कोई संबंध नहीं होता। कालांतर में ऋषियों की इतनी विशुद्ध जो विचारधारा थी, महाभारत के बाद जब एक डार्क पीरियड पैदा हुआ जो मध्य काल का, जिसमें उथल पुथल मची, उसने इस सारे सिस्टम को जो है जातिवाद में परिवर्तित कर दिया,
जिसको कास्टिज्म बोलते हैं, जो ये इस हिंदुस्तान की लड़ाई ये कास्टिज्म है। ये कास्टिज्म केवल हिंदुओं में ही नहीं है, ये मुस्लिम में भी दिखाई देती है और क्रिश्चियनिटी में भी दिखाई देती है। हम हिंदुस्तान के लोग इस चीज को नहीं समझते। यदि आप दूसरे देशों में जाकर के देखो और स्टडी करो तो आपको पता चलेगा वहां भी अस्पृश्यता बहुत ज्यादा है। ये मैंने थोड़े से इस विषय में आपको बात बताई। अब कहते हैं कि वेद ने कतिपय उन स्थलों को उपस्थित किया है जिसमें भौतिक प्रधान समाज के सम्मुख को ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। एक भौतिकता है और एक आध्यात्मिकता है। भौतिकता के बिना काम नहीं चलता, जैसे कि पूर्व वक्ताओं भी बोल रहे थे, अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या मृत मश्नुते। एक है ज्ञान, एक है कर्म, एक है परा, दूसरी है अपरा, एक है संभूति, एक है असंभूति। ये मेरा विषय नहीं है आज का जो है ये, लेकिन ज्ञान और कर्म का यदि समन्वय नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए संसार प्राण यात्रा ही लोकस्य बिना अर्थम न सिद्ध्यति, वेद व्यास ने महाभारत के अंदर लिखा। यदि हम संसार की में सफल होना चाहते हैं तो हमको अर्थ कमाना पड़ेगा, और वो अर्थ कैसे कमाएंगे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक हम कमाएं। शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, वेद ने कहा कि तुम 100 हाथों से कमाओ परंतु सैकड़ों हाथों, ये हजारों हाथों से तुम जो है उसको बिखेरो जो है ये। यावत भ्रियत जठरम तावत सत्वमी देहि नाम, भागवत पुराणकार ने कहा और महाभारत ने भी ये लिखा है जो है ये दोनों स्थलों में मिलता है कि जितने से तुम्हारा कोठरा भर जाए उतना ही तुम्हारा अधिकार उस पर अधिकार है, बाकी तुम्हारे लिए अपरिग्रह की वृत्ति होनी चाहिए। आज संसार में अपरिग्रह की वृत्ति का अभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ये जिसके पास में ज्यादा धन है वही सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका की यही सबसे बड़ी समस्या है। ये कुर्वन्ने रेह कर्माणि जिजि विशेष छतम समाह न एवं तो नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते न रे। जो ये और इस पुरुष को वेद ने कतुमयो अयम पुरुष कहा है, और उपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहते हैं ओम क्रतो स्मरा, इस जीवात्मा को क्रतु कहा है, कर्म करने वाला कहा है। ये बातें जो हैं ये हैं कहीं हैं। यूरोप और अमेरिका ने इस कर्म प्रधानता को अपना आधार बनाया और उसने विश्व में ज्ञान विज्ञान कला कौशल शिल्प और वाणिज्य जो है उच्च कोटि की उपलब्धियां जो है संसार के सामने रखी है। परंतु भारतीय सभ्यता ने अच्छे चिंतक दिए, विचारक दिए और दार्शनिक दिए जो है, इन दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक पक्षीय बात हो रही थी संसार के अंदर जो है इस COVID-19 ने, अब उस तरफ हमें झुका दिया है जो है। बड़े बड़े नगर वेद को प्रिय नहीं है, वेद का जो संकेत है बड़े बड़े नगरों की तरफ नहीं है, वो निवेश निर्दा खुलापन होना चाहिए। आज ने नगरीय सभ्यता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे व्यक्ति कृत्रिम होता जा रहा है जो। वेद के अंदर ये भी कहा कि व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए। विश्व के अंदर सबसे अधिक मांस का उत्पादन होता है, और विश्व के अंदर जब मांस का उत्पादन है, जो लोग जो वैज्ञानिकों ने कहा है बताया है कि शरीर मन और क्रिया विज्ञान के हिसाब से जो है ये ठीक नहीं है। इंसान में बड़ी आंतें होती हैं और मांसाहारी जीवों में छोटी आंतें होती हैं, इसलिए उनकी जो मांस खा करके जल्दी वो पच जाता है बॉडी के अंदर, और उनके नुकीले भी दांत होते हैं, इंसान के नुकीले दांत नहीं होते। दोनों दृष्टियों से जो है इंसान को मांसाहार का मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े भूकंप आज पैदा हो रहे हैं जो ये जानवरों को मारते समय भय के कारण उनकी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे अनेक प्रकार के विषैले रसायन निकलते हैं जो खाने वाले व्यक्ति को दुष्प्रभावित करते हैं। जानवरों को मारते समय उस समय की हत्या भय विद्वेष घृणा आदि की जो सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो मनुष्य की सूक्ष्म चेतना को प्रभावित कर उसे हिंसक क्रूर अत्याचारी बनने के लिए बाध्य करती है जो ये। इस आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बजाज, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी टीम ने ये रिसर्च किया है। पूरे दुनिया के अंदर जहां बड़े बड़े कत्ल खाने हैं वहां जाकर के इंस्ट्रूमेंट लगा करके उन्होंने देखा है कि जो मारे जा रहे जो पशुओं की जो चीतकार निकलती है, जो हाय निकलती है, उससे विश्व के अंदर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और पिछले कम से कम 25-26 वर्षों से फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए आज ह्यूमन बीइंग जो विनाश के कगार पर अपने कारणों से स्वयं खड़ा हुआ है। वेद ने कहा है कि
मनुष्य के खाने के लिए शाख पत्तियां हैं जो है ये, अर्थात तो उसका जो भोजन है वो औषधियां। और काशिकाकार ने अपने काशिका वृत्ति में लिखा है कि फलिर वनस्पतिर्जयो वृक्षा पुष्प फलोपगाह औषध्य फल पाकांता लता गुलमास से विरुहा। पकने के बाद में जो खत्म हो जाती हैं, जिसका केवल जो जो अंश बचता है खाने योग्य है, वो जो वह औषधि है। तो ऐसी औषधियां अन्न है, दालें हैं, शाक सब्जियां हैं, वे हमको सेवन करना चाहिए। और वेद ने यही कहा, अजिजन औषधिर भोजन है। जब बाद जब वृष्टि बहुत हो रही है तो ऋषि कहता है, हे इंद्र देवता तुम बहुत बरस लिए, अब रुको, मेरे लिए खाने योग्य प्रभुत औषधियां पैदा होगी। वहां ये कहीं नहीं लिखा कि मांस मेरे लिए बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। इसलिए वेद में कहीं भी पशु हिंसा मांस खाने के उद्देश्य से नहीं की गई है। जो हिंसक प्राणी है उनको मारने के लिए तो राजा का कर्तव्य बताया, लेकिन खाने के लिए उनका नहीं बताया गया। और दूसरी बात कैसी जो है, अनागो हत्या वही भीमा। वेद ने कहा है कि निरपराध की हिंसा करना जो है, उसको मारना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए विश्व के अंदर जो भूकंप है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उनके मूल में ये मांस आ रहा है सबसे बड़ा जो है। और व्यक्ति इसी कारण जो है, जो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनलाइज डॉक्ट्रिनल जो आइडियोलॉजी है, जिसको रिलीजन बोलते हैं, उन सो कॉल्ड रिलीजन्स ने जो है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज डॉक्ट्रिनल जो आइडियोलॉजी है जिसको रिलीजन बोलते हैं, उसमें उन्होंने अपने रिचुअल का कर्म कांड का जो एक पार्ट जो है बकरा ईद के रूप में, और हिंदुओं में भी जो है देवी को जो भैंसा चढ़ाते हैं आसाम साइड में, और इधर उत्तराखंड में भी जो होते थे, अब तो धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रही है, उसके मूल में भी यही है साकार जो है। मांस से व्यक्ति को उसमें वनस्पतियां डाली जाती हैं, मसाले डाले जाते हैं, इंसान क्या करता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसे संसार की है, तर्क और श्रद्धा की जो है। संसार के अंदर ये दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं श्रद्धा ही श्रद्धा, इस अंधश्रद्धा के कारण इसने बड़ा गड़बड़ किया है। और कहीं कहीं तर्क है, विशुद्ध तर्क है, वहां उससे नास्तिकता बढ़ती है जो है। वेद ऐसा नहीं कहता, वेद कहता है मूर्धानमस्य संसेवी अथर्वा हृदयम च। हे ऋषि, तो इस इंसान के मूर्धा को इसके हृदय के साथ में सिल दे, इसके तर्क को इसके भाव जगत के साथ में सिल दे जो है। ये दोनों चीजें जहां मिल जाएंगी जो है, वहां पर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं होगा, वहां किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होगा जो है। क्योंकि ईसाईयत में ईसा मसीह के ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं लेकर के आओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। और जो मुस्लिम धर्म है, उसमें यदि आप पैगंबर मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं लाओगे तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है, उपवरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्र जायता। खुले आकाश के नीचे नदियों के तट पर और पर्वतों की उपत्यकाओं में बैठ करके आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो जो ये। इस तरह की बातें वेद बताता है जो ये। परंतु सुख का मूल जो धर्म है, सुख का मूल धर्म है, सुख का मूल धर्म क्या है कि सिंसियर स्पिरिचुअल पाथ। धर्म क्या? सिंसियर स्पिरिचुअल पाथ। ये सिंसियर स्पिरिचुअल पाथ वही है जो वेद ने संगठन सूक्त के माध्यम से बताया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने दिव्यदानी भाष्य भूमिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ में जो वेदोक्त धर्म विषय नामक चैप्टर में अध्याय में जो उन्होंने इंगित किया है, वही सिंसियर स्पिरिचुअल पाथ है, वही वास्तव में धर्म है, जिसको कणाद या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म बोलते हैं जो है ये। अर्थात भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय होना चाहिए। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसने बड़े बड़े मस्जिद बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए। अभी अभी जो है 500 वर्षों से जो विवाद चल रहा था राम मंदिर का, जो है वो समाधान हुआ है। परंतु एक पक्षी कहता है कि जो हमारी सत्ता है, जो हम इसको उड़ा देंगे जो है। ये मंदिर बनते हैं, टूटते हैं, आखिर इस पर लगाम लगनी चाहिए। हमने सिंसियर स्पिरिचुअल पाथ को क्या ढूंढने की कोशिश की? भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण हमारे महापुरुष हैं। वेद यदि सिद्धांत पक्ष है, इन दोनों महापुरुषों का जीवन हमारा ये व्यवहारिक पक्ष है, इसलिए वो हमारे जीवन में आना ही चाहिए। परंतु इस भारतीय समाज को ये सोचना है कि ये फिर से बार बार इनकी फ्रिक्वेंसी न्याय आवृत्ति नहीं आए, इस पर आपको विचार करना होगा जो है ये। और दूसरी बात ये है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों के विषय में कहा था, भारतीय वही है जो प्रामाण्य बुद्धि वेदेशु। ये लोकमान्य तिलक का वाक्य है, प्रामाण्य बुद्धि वेदेशु।
जो वेदों में प्रामाणिकता की बुद्धि रखता है वही भारतीय होने का अधिकारी है। वेदों की सिग्निफिकेंस, वैदिक साहित्य की सिग्निफिकेंस केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, अपितु ये सब के लिए, ईसाइयों के लिए इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है। मैं एक एग्जांपल 2-3 मिनट और लूंगा और अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा मैं, जो ये कि अध्यक्ष जी केवल 2-3 मिनट, जो ये दो तीन बातें रहती हैं कि ईसाइयों के प्रसिद्ध ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट की पहली वर्ष है, उसमें लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, आरंभ में शब्द था और ईश्वर के साथ शब्द था और शब्द ईश्वर था, यह इसका ट्रांसलेशन है। बाइबिल के इस स्थल की व्याख्या कतिपय प्रमुख पादरियों से मैंने कई बार पूछी लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैंने उनको समझाने की कई बार कोशिश की लेकिन वो साइलेंट हो जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो ज्ञान सूक्त है, उस ज्ञान सूक्त का जो पहला मंत्र है बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरित नाम देयम दधाना यदेशाम श्रेष्ठम यदि प्रमाशित प्रेरणा तदेशाम हितम गुआवी, इस मंत्र में साफ कहा गया है कि उस समय परमात्मा ने जब ह्यूमन बीइंग को बनाया, जब ये अमैथुनी सृष्टि थी वो, तो परमात्मा ने वो ज्ञान भी दिया, वो ज्ञान नॉलेज भी दी, जो नॉलेज क्या है वो शब्द के माध्यम से बाइबिल की पहली वर्ष में बताई गई है जिसकी एक्सप्लेनेशन ईसाइयत में नहीं है। इसलिए ईसाइयों के लिए वेदों की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि उनके कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो वेदों से स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वेद जो है फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन है, सारे धर्मों की उत्पत्ति यदि आप देखोगे तो इसी से ही गई है। जो ये इसे जंदा बेस्ता जरथुस्त्र वाला, उससे फिर यहूदी, यहूदी से ईसाई और ये आपकी जो है एक क्रिश्चियनिटी और फिर मुस्लिम, इसी से ही पैदा होते हैं। ये पंडित गंगा प्रसाद एमए ने जो टिहरी के जज हुआ करते थे उन्होंने पुस्तक लिखी फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, इसमें स्पष्ट किया है ये। और मुस्लिम में भी, मुस्लिमों को भी इसके सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जो कि 1400-1500 वर्ष पहले जो इस्लाम प्रारंभ हुआ था उसके सिद्धांत कितने सारयुक्त और कितने सारहीन है। एक ईश्वर विषय जो चिंतन कुरान का है उस पर वेद की छाया स्पष्ट देखी जाती है। ये यदि कुरान के कहानी भाग को एक और रख दें और फरिश्तों जन्नत हूरों 72 हूरों की कहानी को यदि एक तरफ रख दें तो समझ लेना, एक तरफ कर दीजिए तो इस्लाम वैदिक धर्म से पृथक कुछ भी नहीं है। ये इस्लाम, इस्लाम अरे अरे भाई संत, ये जो इस्लाम है और जो कन्वर्टेड हो गए हैं, अभी 6 महीने की 17 तारीख को प्रिंस ने, जो सऊदी अरब का जो प्रिंस है, उसने एक शब्द बोला इन कन्वर्टेड कन्वर्टेड मुस्लिमों के विषय में कि अल हिंदी मुश्किल, अर्थात हिंदू हिंदू धर्म छोड़ करके जो मुसलमान बने हैं, जो अर्थात दोयम दर्जे का पाकिस्तान बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुसलमानों को वहां माना जाता है। जो इसलिए इसलिए आज मुसलमानों को सोचने का विषय है कि वेदों की जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए क्या है। इस प्रकार से जो सिख भाई हैं वो तो हमारे ही हैं, ये तो हमारा ही पार्ट है। उनके ग्रंथों में ओंकार वेद निर्मय चार दिवे चौ हत दिए एकाएक वासी असंख्य ग्रंथ मुख्य वेद पाठ वेद बखियान करत साधु जन भागीन समझत नहीं खलु वेद कतेल कहू मत झूठे झूठा जो न विचारे आदि न जाने कितने वचन है। और जपजी साहब जो है, जपजी साहब उसमें तो सीधे सीधे वेद मंत्रों की छाया दिखाई देती है। जय एक ओंकार सतनाम शिव गुरु जो है, ये आदि आदि बातें सारी वेद से मैच करती हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपके समक्ष रखा है, 2-3 मिनट फालतू हो रही हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। और वेदों की जो सिग्निफिकेंस है, जो रेलिवेंस है इसकी, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, साहित्यिक सांस्कृतिक भाषा वैज्ञानिक धार्मिक आनुसंधानिक दृष्टि प्राप्ति अर्थ यदि तुम अध्ययन करना चाहते हो तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए। परिवार समाज राष्ट्र विश्व जीव मात्र प्रकृति के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारा इनका बोध क्या है, इसका अध्ययन हमको वेदों से ही पता चलेगा। जो वे ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ है इसका ज्ञान वेदों से होगा।
वेदों का अध्ययन से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक बनता है, वह फिर हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं रहता अपितु सच्चे अर्थों में इंसान बनता है। ऐसा इंसान बनता है लुई पेस्टर के शब्दों में, ऐसा व्यक्ति जो देश जाति तथा कथित संकीर्ण विचारधाराओं वाला धर्म इनको तोड़ करके दुनिया के दर्द को अनुभव करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग को यदि तुम प्रिजर्व करना चाहते हो, इसको सुरक्षित संरक्षण करना चाहते हो, तो तुमको वैदिक विचारों को अपनाना पड़ेगा। वेद आसान नहीं है, लेकिन वैदिक विचार बहुत आसान है, वैदिक शिक्षाएं बहुत सरल हैं, इनको तुम्हें अपनाना पड़ेगा। समश्रुते न गमे मही मा श्रुति न विराधसी पातु नो देवी सुभगा सरस्वती प्रिया श्रुतस्य भूयास्म। ये कुछ विचार मैंने आपके समक्ष रखे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, मेरे प्रिय प्रताप चंद्र रॉय मिश्र जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार और आपके जो फाइनेंस ऑफिसर, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, जो श्रोता हैं उनको भी, और हमारी दीदी जो चेयर कर रही हैं इस सेशन को, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दिनेश चंद्र शास्त्री जी। अभी हमने बहुत ही एक ज्ञान से भरा हुआ वेद मर्मज्ञ विद्वान, जिन्होंने लगा के अंदर से अनुभव किया हुआ अनुभूत है ये ज्ञान उनका, उनका हम वक्तव्य सुन रहे थे। बहुत ओजस्वी वक्तव्य भी था, उन्होंने हमें चुनौती भी दी है, हमें मतलब समाज को और वर्तमान विश्व को, कि कैसे अगर ठीक से नहीं रहा जाएगा तो क्या हो सकता है। और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि महाभारत में उन्होंने दुर्योधन की बात की, ये दुर्योधन ने नहीं माने वेद के सिद्धांतों को तो उसका किस प्रकार विनाश हुआ, जबकि हम लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि किस प्रकार से विनाश हुआ और धर्म की जय हुई, धर्म की विजय हुई। लेकिन उन्होंने एक दूसरा पक्ष भी यहाँ रखा। बहुत ही सुंदर वक्तव्य था दिनेश चंद्र शास्त्री जी। आपका थोड़ा दिख नहीं रहे हैं अब, आप थोड़ी देर से मैं हूं। लेकिन उसमें जो सबसे याद रखने योग्य बातें हैं, यहाँ पर छात्र भी बहुत हैं, उनको याद रखना है। पिछले वक्तव्य में भी ये बात आई है और अभी तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि समग्रता का ध्यान रखना है, टुकड़े नहीं करने, व्यग्र नहीं करना, एक अलग अलग नहीं करना है, मनुष्य मनुष्य नहीं करना, सभी प्राणी करना है, द्विपदे चतुष्पदे, प्रकृति भी जोड़नी है, सबका ध्यान रखना है। तो ये जो भावना है, ये वैदिक भावना थोड़ा लोग भूल चुके थे, चलना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो उस सिद्धांत उसका समझो याद रखो, वो उन्होंने यहाँ पर हमें याद दिलाया, डराया भी कि नहीं तो मानवता विनाश के कग